तो अभी हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के जरिए। होप सो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अगर बीच में किसी को कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, नो डाउट, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। पिछले मैं 25 साल से इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम अ मेडिकल डॉक्टर। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल खार में मैंने 3 साल मेडिकल प्रैक्टिस की, और उसके बाद जो मैंने मेडिकल साइंस की जो लिमिटेशंस देखे, एलोपैथी की जो लिमिटेशंस देखे, तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया नेचर की और एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, योगा, ऐसे करते हुए आज मैंने 125 थेरेपियां के ऊपर रिसर्च किया है। तो मैं कोशिश करूंगा इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मेरे रिसर्च को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। बट इन बिटवीन इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनीथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। वी आर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। 1 इज द माइंड, 2 इज द ब्रेन, एंड 3 इज द बॉडी। डू यू एग्री? Am I right? हमारा ब्रेन जो है, honestly speaking, ये एक हार्डवेयर है, और माइंड है वो सॉफ्टवेयर है। क्या हम हार्डवेयर को इतनी जल्दी चेंज कर सकते हैं? कैन यू चेंज योर ब्रेन? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि माइंड के अंदर क्या ऐसा होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं? यस, एनी ऑफ यू? यस, थॉट्स, एक्सेलेंट। और पार्डन, थिंकिंग, या थॉट्स, थिंकिंग, एक्सेलेंट, हाँ, बिलीव, वाओ, वेरी नाइस। और हाँ, संचित कर्म, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर माइंड में है तो दैट इज परसेप्शन, बिलीफ सिस्टम, हमारे इल्यूजन्स, हमारे परसेप्शंस जो हमने बहुत सालों से पकड़ के रखे हैं। हमने जो भी कुछ होल्ड किया है वही चीजें बार बार हमारी लाइफ में एक पैटर्न बन के बाहर आती है। मैं शुरू में तो सिर्फ माइंड के ऊपर रिसर्च कर रहा था, बिकॉज मुझे बॉडी के डिजीज को समझना था, डायबिटीज, कैंसर, अर्थराइटिस, अस्थमा, ये सारे क्रॉनिक इलनेस को समझने की कोशिश कर रहा था। और करते करते मैं यूएस तक पहुंचा 2008 में। डॉक्टर टोनी रॉबिन से मैंने NLP सीखी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ब्रेन की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, जैसे आपके मोबाइल में भी एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, राइट, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है या आईफोन का अपना OS सिस्टम है। तो ब्रेन का भी अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम NLP कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ब्रेन अपनी लैंग्वेज के हिसाब से काम करता है, राइट, और माइंड वो ब्रेन को बीच बीच में सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, बीच बीच में कोई अपने थॉट प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रेन की एक फ्री विल होती है कि माइंड के थॉट को एक्सेप्ट करे या ना करे। जैसे हार्डवेयर के अंदर आप कभी भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो आपसे परमिशन मांगा जाता है, कि नहीं, डू यू अलाउ टू डाउनलोड और कैंसल? आप कैंसल करोगे तो वो हार्डवेयर में नहीं जाएगा, राइट? लेकिन ये बात हम नहीं जानते, बचपन से हमें किसी ने ये नहीं समझाया, हमें ये समझाया बस जो आता है उसे अंदर लेते जाओ। लेकिन नहीं, देयर इज वन थिंग वेरी स्पेशल इन द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। हम कोई भी चीज को कभी भी फिल्टर कर सकते हैं। मतलब हम अपने पेरेंट्स की कोई बातें सुनते हैं जो कहीं पे कंफर्टेबल नहीं होते, हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। कभी हम कोई प्रोफेसर की कोई बात है, कभी कोई फ्रेंड्स की कोई बातें हैं, कोई मजाक है, कोई एडिक्शंस की बातें हैं, उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसको एब्जॉर्ब करो और अपने अंदर डाउनलोड कर लो, बिकॉज जो चीजें आप अंदर डालने वाले हो बाय डिफॉल्ट ब्रेन उसको मैनिफेस्ट करने वाला है। डू यू एग्री और नॉट? राइट, अब थोड़ा और हम आगे जाते हैं। हम इनपुट देखते हैं, हम इनपुट कहां से लेते हैं, कोई बता सकता है? हमारे अंदर जो चीजें जाती है, अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो कहां से सुन रहे हो? हाँ, सेंसेस, एक्सेलेंट। और एनवायरमेंट, एक्सेलेंट। देखो कितनी चीजें हमें आपस में ही सीखने को मिल रही है। यस, और आईज, एक्सेलेंट। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो ऑडिटरी है, सुन रहे हम, राइट, इसलिए हम इसको ऑडिटोरियम कहते हैं, राइट। तो कानों से हम सुनते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं कि ये मुझे पता था या नहीं पता था, उसको हम प्रोसेस करते हैं। अगर पता था तो हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, नहीं पता था तो हम उस पर थिंकिंग करते हैं, क्या ये बात सही होगी कि गलत होगी, मैंने अब तक क्यों नहीं सुनी या मैंने अब तक क्यों नहीं सोची, ऐसा है। उसके ऊपर हम एनालिटिक करते हैं, और जैसे हम एनालिसिस करते हैं उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं, राइट।
प्रोसेस करने के बाद इसका एक आउटपुट होता है। आउटपुट दो तरीका होता है, एक रिजेक्शन, एक एक्सेप्टेंस का अलग आउटपुट होता है। हाँ, मैंने कोई बात को स्वीकार की तो वो अलग आउटपुट है, मैंने कोई बात को अस्वीकारी, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया, वो एक अलग आउटपुट होता है। 90% रिसर्च के हिसाब से हम लोग चीजों को रिजेक्ट करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हम हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, हमारे जो अपने थॉट प्रोसेस है, जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हम उसी को ठोस मानते हैं, उसी को रियल मानते हैं, राइट? अगर यहाँ कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसको कॉमर्स की चीजें जल्दी दिमाग में नहीं जाएगी, उसको आर्ट्स के कोई चीजें दिमाग में नहीं जाएगी करके। कोई एक रिलीजियस पर्सन है, सपोज अगर कोई बंगाली है, उसको गुजराती का कंटेंट या उसको लैंग्वेज, गुजराती की लैंग्वेज उसके दिमाग में नहीं जाएगी, वो उसके लिए फॉरेन बॉडी रिएक्शन होता है, इज इट राइट? मतलब उनके जो कस्टम्स, जो कल्चर होते हैं, वो उसके लिए एक एलियन कस्टम्स होती है। तो हमें क्या करना है, हमें ब्रेन को एक्सपांड करना है, जो आज मैं पूरा आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने माइंड को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अभी हमारा माइंड बहुत रिजिड है, हम अपने फैमिली मेंबर की बातें भी नहीं एक्सेप्ट करते और इसलिए हमारे रिलेशनशिप में फ्रिक्शंस ज्यादा होते हैं। Am I right or wrong? हस्बैंड वाइफ के बीच में, पेरेंट्स बच्चों के बीच में, टीचर प्रोफेसर स्टूडेंट्स के बीच में फ्रिक्शंस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड सेट अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, इज इट राइट? हम बोलते हैं एंड्रॉइड यूजर फ्रेंडली है, एप्पल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग सब अभी एप्पल के जैसे सिक्योरिटी के साथ ज्यादा चलते हैं। मतलब कोई भी चीज इजीली अंदर नहीं लेते और प्रॉब्लम हमें ही होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से फाइट करना पड़ता है लाइफ में। जैसे अभी ये कोरोना की सिचुएशन को क्या आपने इजीली एक्सेप्ट किया, मुझे बताओ? नहीं किया। हमने इस अनएम्प्लॉयमेंट को या ये ऑनलाइन क्लासेस को बहुत से लोगों ने रिजेक्ट किया, बट ये सिचुएशन क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि आपने इसको पहले एक्सेप्ट नहीं किया था। तो नेचर क्या करता है, जो चीज आपने कभी नहीं की आपको उसी सिचुएशन में, उसी परिस्थिति में आपको ले जाएगा करके। नाउ यू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी, दैट इज कॉल्ड अपोजिट सिचुएशन, जो हमने कभी सोची भी नहीं थी हमारी लाइफ में, राइट? और यहीं पे हमारी टेस्टिंग होती है कि नहीं, कि इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, राइट? लड़की शादी से पहले 20-25 साल मायके में रहती है, उसका माइंडसेट अलग होता है, ससुराल जाती है तो उसका माइंडसेट अलग होता है। आप लोग जब घर पे थे तो आप अपने कंफर्ट जोन में थे, यहाँ हॉस्टल में आए आपका कंफर्ट जोन टूट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई लग्जरी नहीं है, आपका कोई भी जो भी घर में जो भी आपको खाने पीने की जो सुविधाएं थी वो यहाँ पे नहीं है, तो डिफिकल्ट होता है कि नहीं ऐसे, एम आई राइट? फिर आप जब जॉब पे जाते हो, जब बॉस आपको डोमिनेट करता है तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, राइट? बॉम्बे में जहां पे मैं रहता हूँ, रोज करीबन 10,000 से 50,000 लोग रोज नए आते हैं और सिर्फ 2% पॉपुलेशन वहां टिक जाती है, 98% पॉपुलेशन वहां से भाग जाती है बॉम्बे से। क्यों? सबसे बड़ा पहला रीजन वहां की लोकल ट्रेन्स, वहां की भीड़, वहां की लाइफस्टाइल, वहां का टाइम मैकेनिज्म किसी को समझ में ही नहीं आता, एम आई राइट अराउंड? परेशान हो जाते हैं हम लोग, और हम लोग जब बॉम्बे से बाहर आते हम सोचते हैं कितनी स्लो लाइफ, अरे ये लोग कैसे जी रहे हैं, हम जो एक दिन में काम करते हैं ये तो 10 दिन में इतना करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि हम वहां टाइम मशीन से चलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दैट? अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा वहां पे जो कॉस्मोपॉलिटिक जगह है, या आप लोग जो यहाँ पे हैं, आप सर्टेन गोल्स लेके आए हो यहाँ पे, एम आई राइट? कुछ तो गोल्स है कि नहीं आपका, एजुकेशनल गोल्स, एकेडमिक गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स, करियर गोल्स, कुछ तो गोल्स है आपके, तभी आप यहाँ पे आए हो। क्यों? आपके जो स्कूल कॉलेज के क्लासमेट्स थे आज वहीं पे हैं, कहीं छोटे छोटे जॉब कर रहे हैं या छोटा कोई बिजनेस कर रहा है या अपनी फैमिली में रह रहा है, और आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? क्योंकि आप उन 2% की पॉपुलेशन में से हो जो हट के कुछ करना चाहते हैं, एम आई राइट? 98% पॉपुलेशन सिर्फ सपने देखते हैं, गोल चार्ट बनाते हैं, विश लिस्ट बनाते हैं, विजन बोर्ड्स बनाते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं करते, राइट? कोई क्रिया नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेता, इसलिए वो लोग फेलियर होते हैं, राइट? इस 2% में भी जो कंपटीशन है उसमें भी आगे कौन जाएगा, जो और ज्यादा शार्प है, जो और ज्यादा फोकस्ड है,
जो और ज्यादा पैशनेट है, जो और ज्यादा करेजियस है, जिसका विल पावर सबसे ज्यादा है, जो टाइम मैक्सिमम अपने ही सब्जेक्ट पे डालता है, उसको सक्सेस ज्यादा मिलता है। इज इट राइट? तो इसका कंक्लूजन क्या है कि कौन इंसान है जो समय सबसे ज्यादा दे रहा है? पहली बात टाइम। कौन इंसान है जो सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी उस सब्जेक्ट के लिए डाल रहा है? ये सेकंड वन। तो पहला टाइम इंपॉर्टेंट है, सेकंड एनर्जी इंपॉर्टेंट है, तीसरा कौन इंसान है जो ज्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज कलेक्ट कर रहा है? जिसके पास नॉलेज ज्यादा है डेफिनेटली वो स्कोरिंग ज्यादा करेगा। मेरी बात ध्यान से सुना, स्कोरिंग ज्यादा करेगा, उसको नंबर अच्छे आएंगे। उसके बाद कौन इंसान है जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो सक्सेसफुल ज्यादा होगा, वो शायद स्कोरिंग भी कम करेगा। यहां डिफरेंस है कि नहीं? Am I right? मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास बंच ऑफ द नॉलेज है, मतलब इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया है उनके पास, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए, जॉब पे सक्सेस कौन होता है या बिजनेस में सक्सेसफुल कौन होता है? नॉलेज वाला या एक्सपीरियंस वाला? एक्सलेंट। तो ये यहां पे होता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो नॉलेज के लिए हो रहा है या एक्सपीरियंस के लिए हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ये बताइए कि लोग एक्सपीरियंस के लिए क्यों नहीं जाते? नॉलेज आ गया आप लोगों के पास, लेकिन लोग एक्सपीरियंस के लिए क्यों नहीं जाते? कोई बता सकता है? सिंपल है, एक्सपीरियंस लेने के लिए कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है, पहला। एक्सपीरियंस लेने के लिए नॉलेज का ईगो भी तोड़ना पड़ता है, दूसरा। एक्सपीरियंस लेने के लिए तीसरे के पास झुकना पड़ता है, ये तीसरी बात है। और हम क्यों झुके? मेरे पास जब नॉलेज है, डिग्री है, मैं क्यों झुकू? मैं जब क्लिनिक पे मेरी मेडिकल प्रैक्टिस करता था, काफी बार मेरे जो कंपाउंडर थे वो मुझे एडवाइस देते थे, मैं कहता था तू रहने दे, तू तो खुद अंगूठा छापे, तू क्या बताएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस में आगे बढ़ा, मुझे पता चला कि सही में इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, नॉलेज भले नहीं है, इन्होंने ज्यादा पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया है, मैंने तो सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। अब डिफरेंस आया कि नहीं यहाँ पे? तो हमारे इंडिया में जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं बगैर डिग्री के, उनको हम कहते हैं ये जुगाड़ करता है ना? आप गैरेज में देखो, मैकेनिक्स होते हैं, क्या वो इंजीनियर होते हैं जो आपकी गाड़ियां बना दे? मुझे बताइए, नहीं होते, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंफॉर्मेशन गैदर कम करते हैं, वो लोग एक्सपीरियंस गैदर ज्यादा करते हैं, अनुभव गैदर ज्यादा करते हैं। तो आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक्सपीरियंस ज्यादा लेना होगा, एम आई राइट? अब तीसरी बात, चौथी बात यह है कि जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है, आपको पुराना नॉलेज छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपने पुराने नॉलेज को पकड़ के रखा तो नया नॉलेज आपके अंदर नहीं जाएगा, आपका इनपुट ही नहीं होगा। फैक्ट और नॉट, जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे यह बताया गया था कि बीमारियां होती हैं ऑर्गेनिज्म की वजह से, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स। तो मैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, ऐसी सारी मेडिसिन देता था, एंटी ट्यूबरक्लोसिस, एंटी कैंसर, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, ऐसी मेडिसिन देता था। जब मैं स्पिरिचुअल रिसर्च में या प्रैक्टिस में आया, मुझे कहा गया कोई ऑर्गेनिज्म बीमारियां क्रिएट नहीं करती। इंसान की एनर्जी होती है, इंसान का इम्यूनिटी होता है, रेजिस्टेंस पावर होता है, जो वीक होने की वजह से वो बीमार पड़ता है। आप देखो मुझे अपना नॉलेज छोड़ना पड़ा कि नहीं? इज इट राइट? तो मैंने लोगों की एनर्जी बढ़ाना शुरू की, मैंने पीएचडी की लंदन में जाके ऑरा के ऊपर, के देखना चाहता हूं ये ऑरा कैसे बढ़ता है, ये एनर्जी कैसी बढ़ती है। तो वहां पता चला थॉट से बढ़ती है, मेडिटेशन से बढ़ती है, डाइट से बढ़ती है, एक्सरसाइज से, योगा से, ये सारी चीजों से हमारी एनर्जी बढ़ती है, राइट? लेकिन अगर हमने कोई भी गलत सोच रखी, जैसे कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूशन ने ये रिसर्च किया है कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, इसमें 90% नेगेटिव होते हैं, मतलब 54,000 नेगेटिव थॉट्स ऑन एन एवरेज हमारे अंदर रोज आते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी वीक करते हैं, हमारा ऑरा वीक करते हैं। तो आपको लगता नहीं आप प्रॉन टू गेट वायरस, कोरोना या बैक या ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, आपको होगा कि नहीं होगा? कितने लोग यहाँ पे हैं जो फियर फैक्टरी बैठे हैं, और कितने लोग यहाँ पे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में जो फियर के वजह से यहाँ पे नहीं आए कि नहीं नहीं हमें क्राउड में नहीं बैठना है, चांसेस बहुत है आने के, एम आई राइट? मैं पूरे पिछले
इस कोरोना के टाइम से करीबन ऐसे मैंने 60 बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं, वृंदावन में, ऋषिकेश में, भोपाल में, चेन्नई में, बैंगलोर में, बहुत सारे इवेंट्स किए। इतनी ट्रैवलिंग करता हूं मैं, क्यों? क्योंकि फियर ही नहीं है। फियर की अपनी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जब आप उस फ्रीक्वेंसी में होते हो तो वो बैक्टीरिया को, वायरस को अट्रैक्ट करते हो। और अगर आप फियरलेस हो, नो डाउट यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल, जो भी है आपका वैक्सीनेशन है या सैनिटाइजर है या ये मास्क है, ये सब फॉलो करो। उससे बड़ी चीज फियर को पहले अंदर से निकालो। Am I right or not? हमें जितना भी फियर है ये हमारा गलत इनपुट है, तो आपको नहीं लगता आउटपुट भी गलत होगा? राइट आप थोड़ा और हम आगे देखते हैं, आउटपुट इज अ मैनिफेस्टेशन। ये सबको बताए कि हमें जो अल्टीमेट रिजल्ट चाहिए वो बेस्ट चाहिए, लेकिन क्या सबको बेस्ट मिलता है? फिर हम इंडिया में क्या करते हैं पता है? हम इंडिया में कर्म को कोसते हैं मैक्सिमम लोग। इंडियन कल्चर है ये। मैं 13 कंट्रियों में जा चुका हूं, वहां पे कोई कर्म की बात नहीं करता। और इसलिए मैंने कर्म के ऊपर बहुत रिसर्च की है। करीबन मैंने 300-350 साधु संतों के पास बैठा, सत्य साई बाबा, नित्यानंद स्वामी, सूर्य स्वामी, श्री श्री रविशंकर, ब्रह्म कुमारी की दादियां, सबके साथ मैं बैठा। और मैं ऑरा की रिसर्च, एनर्जी की रिसर्च, कर्मा की रिसर्च मैंने उनके साथ की, तो पता चलता है कर्मा भी माइंड के वजह से क्रिएट होता है। इज इट राइट? हमने जो सोच बना के रखी है वही सबसे बड़ा कर्म है। अगर हमें कर्म को चेंज करना है तो हमें सोच को बदलनी होगी, माइंड को चेंज करना होगा, बिलीफ सिस्टम बदलनी होगी, इल्यूजन्स को तोड़ने होंगे, भ्रम को तोड़ने होंगे, राइट? पास्ट के एक्सपीरियंस को तोड़ने होंगे जो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसी का चाइल्ड एब्यूज हुआ होगा, किसी को बचपन में एक भाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला, एक बहन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला, वो चीजें दिमाग में पकड़ के बैठी है। कहीं पे पार्शियलिटी हुई हमारे साथ, वो हमने पकड़ के बैठे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी 3% ऑफ द ब्रेन में एक्यूमुलेटेड है। 97% ब्रेन तो वैसे भी आपका काम नहीं करता, सिर्फ 3% काम करता है। तो जब हमने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला हर थॉट एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल को जब तक इनविजिबल पार्टिकल इन द गैशियस स्टेट, थॉट को आप देख सकते हो, विचारों को कोई देख सकता है? देख सकता है क्या कोई? नहीं देख सकता। जैसे हम सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते, हार्डवेयर को देख सकते। तो जब तक इस गैशियस थॉट को हम विजुअल नहीं करें, देखो मैं वापस एक बार कहता हूं, थॉट्स को विजुअल करना है, थॉट को सेंस करना है, थॉट के साथ बातें करनी है, अपने विचारों के साथ। ये स्वामी विवेकानंद ने भी उस समय कहा था कि अपने विचारों को देखो। तो तभी लोगों ने बोला विचार को कौन देख सकता है, ये तो गैशियस लेवल है। लेकिन अब समझ में आता है ये भले गैशियस लेवल है लेकिन ये ऑरा क्रिएट करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। अगर आप एक मिनट भी अपने अंगूठे पे देखें ना ध्यान से, आपको आसपास में एक ऑरा दिखेगा। ये ऑरा की जो लेयर है ये थॉट से बनी हुई है, ये इमोशन से बनी हुई है, जिसको हम साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब समझ में आ रहा है? थॉट्स इलेक्ट्रिकल है और इमोशन मैग्नेटिक है। अब मुझे बताओ थॉट पावरफुल है या इमोशन? यस, इमोशन पावरफुल है, थॉट पावरफुल है। यस बताइए, हाँ राइट। कोई भी थॉट अगर 3 बार आता है कंटिन्यूसली वो इमोशन में बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो इमोशन 3 times मोर पावरफुल देन थॉट्स। समझ में आ रहा है? मैग्नेट ज्यादा पावरफुल होता है इलेक्ट्रिकल। समझ में आ क्या नहीं? इसलिए फीमेल्स के पास मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा है, मेल्स के पास मस्कुलर एनर्जी ज्यादा है, थॉट की एनर्जी ज्यादा है। अब समझ में आ रहा है? इसलिए फीमेल्स होल्ड ज्यादा करते हैं, मेल्स होल्ड नहीं करते चीजों, लेट गो करते हैं। तो सफर फीमेल्स ज्यादा होते हैं, बच्चे भी होल्ड ज्यादा करते हैं तो वो बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं। जो बच्चे लेट गो करते हैं वो हमेशा मस्त रहते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आप उसका प्रोसेस समझते हैं कि हमारा राइट साइड का ब्रेन ये मस्कुलाइन ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है, राइट साइड का है वो फेमिनाइन ब्रेन है, लेफ्ट इज एनालिटिक ब्रेन। जो हम सब एजुकेटेड लोग हैं पूरा टाइम दिमाग लगाते हैं ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको क्यों करना, कैसे करना, कब करना,
सब चीज हम दिमाग लगाते हैं, why, what, ये सब चीजें हैं, जितने क्वेश्चन है ना ये सारे लेफ्ट ब्रेन के हैं। राइट ब्रेन होता है ना वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता है, वो सरेंडर करता है, क्योंकि उसमें इमोशंस बहुत बड़े, वो क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे करते, राइट। और अब साइंस ये कहता है कि हमारा जो राइट ब्रेन है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है जो 80% है, और जो लेफ्ट ब्रेन है ये कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है जो 18% है। आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा पावरफुल है, 18 या 18? गणित तो यही कहता है ना 80% ज्यादा पावरफुल है। तो आप मुझे ये बताइए, तो हम जो एजुकेटेड लोग हैं क्या हम सिर्फ 18% ही बुद्धिमान है, ऐसा है? और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो हमसे ज्यादा मतलब विद्वान है 80%? ऐसा नहीं है, आपको मैं समझाता हूं। जो एनालिटिक पर्सन है, जो 18% ब्रेन से चलता है, वो सिर्फ उस समय एक कॉन्शियस लेवल पे एनालिसिस करता है, उसके बाद में वो उस नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस में डाल देता है, 80% के अंदर डाल देता है, और वो उसके हार्ड डिस्क में आ जाता है। इज इट राइट? आपको अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे 10 आइकॉन दिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे कंप्यूटर में सिर्फ ये 10 आइकॉन सी है, राइट? उसके अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, पार्टीशन, बहुत सारी चीजें हो सकती है, एम आई राइट? आपके मोबाइल के स्क्रीन पे भी कुछ 3-4 ही आइकॉन दिखते हैं, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर तो कम से कम 40 से ज्यादा आइकॉन है, इज इट राइट? तो हमें क्या करना है, हमें इस सबकॉन्शियस लेवल को टटोलना है, जो डेटाबेस है हमारा, क्लटर है जिसको मैं कहता हूं। हम जब खाली बैठे रहते ना घर पे, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल लेके गैलरी में जाते हैं और हम वीडियोस डिलीट करते हैं, कुछ अनवांटेड इमेजेस डिलीट करते हैं, अनवांटेड मैसेजेस डिलीट करते हैं, करते कि नहीं, क्यों करते हैं मुझे बताओ? हाँ, स्पेस क्रिएट करने के लिए। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें आपको सबको अगर बहुत आगे जाना है लाइफ में, स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, क्वांटम फिजिक्स क्रिएट करना पड़ेगा, सिर्फ फिजिक्स के लेवल पे अटके नहीं रहना है, इज इट राइट? तो स्पेस क्रिएट कैसे करेंगे, चलो उससे आगे बढ़ते हैं। अभी आई होप पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का क्लियर है। अब हम स्पेस की बात करते हैं, क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। स्पेस कैन बी क्रिएटेड बाय दिस 2% सुपर कॉन्शियस माइंड, ये कभी किसी ने हमें नहीं बताया, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि तीसरे प्रकार का भी कोई माइंड होता है। ये 2% का जो माइंड है, सुपर कॉन्शियस है, ये क्या करता है, ये डिवाइन माइंड जिसको हम कहते हैं, गॉड का माइंड या गुरु का माइंड जिसे कहते हैं, विद्वान माइंड जिसे हम कहते हैं ना, इसके अंदर सरस्वती का वास है, राइट? इसके अंदर पूरी एनसाइक्लोपीडिया है, मतलब ये जैसे आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं और कहीं से भी आंसर निकलता है, एम राइट? तो ये जो 2% का माइंड है, ये उनके पास है जो लोग हमेशा अपने डिवाइन माइंड से कनेक्ट रहते हैं, अपने गॉड गॉडेस से, गुरुओं से कनेक्ट रहते हैं, जो हमेशा ध्यान, साधना, योगा, ये सब चीजें जाना करते हैं, जो खाली बैठना जानते हैं। मतलब आप भले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ भी ना करो, आप सिर्फ खाली बैठना भी सीख लिया ना, तो भी आप स्पिरिचुअल हो गए। उसके लिए आपको कोई गुरु की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, इज इट राइट? कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, खाली बैठना आना चाहिए, और हम वही नहीं बैठते। हम जितना टाइम मिलता है ना, या तो मोबाइल को लेके बैठते हैं, या किसी को लेके बैठते हैं, किसी के साथ चैट करते हैं, किसी के साथ फोन पे बात करते हैं, किसी के साथ शॉपिंग करते हैं, खाली बैठना पसंद नहीं है। और जिस दिन आप खाली बैठना सीख जाओगे ना, अकेले में बैठना सीख जाओगे ना, समझ लो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, और जिस दिन ये एक्टिव हो गया, ये क्लटर निकालना शुरू कर देगा। पहले हमारे मोबाइल में ना सिर्फ 2 GB स्पेस अवेलेबल था, आपको पता है आज से 20 साल पहले, लेकिन इंटरनेट के वजह से हम वो 2 GB के मोबाइल से भी काम चला लेते थे, टिकट्स भी बुक कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। अभी तो हमें 64 GB भी कम पड़ रहा है, 128 भी कम पड़ रहा है, 256 लेना पड़ रहा है, 512 GB लेना पड़ रहा है, क्योंकि पकड़ने की आदत है। जो इंसान ब्रेन में ज्यादा चीजों को पकड़ता है ना, वो मोबाइल में डेटा ज्यादा सेव करता है, इज इट राइट? आप समझ में आ रहा है आपको? कुछ निकालने के लिए तैयार नहीं है, हर चीज वो iCloud पे डालने की कोशिश कर रहा है। उसके पास 512 GB मोबाइल में, 50 GB तो उसका iCloud पे पड़ा हुआ है। सोचो, मैं WhatsApp पे 192 ग्रुप्स में हूं, रोज मुझे 600-800 मैसेजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि हम 80 सेंटर्स इंडिया में चलाते हैं, अब्रॉड में 9 सेंटर चलाते हैं, हर एक सेंटर का हमारा अलग WhatsApp ग्रुप है, टीम का अलग WhatsApp ग्रुप है, तो कितना इंटरेक्शन मुझे करना पड़ता है,
लेकिन मैं उसको सिर्फ कॉन्शियस माइंड पे लेता हूँ, कोई चीज को ऐसा होल्ड नहीं करता, इमीडिएटली उसको इवेपोरेट कर देता हूँ, दिमाग से निकाल देता हूँ। तो मैं फिर से खाली बैठ सकता हूँ, फ्रेश रह सकता हूँ, एनर्जाइज्ड रह सकता हूँ, मोबिलाइज्ड हो सकता हूँ और डेफिनेटली डिजीज फ्री रह सकता हूँ, हेल्दी रह सकता हूँ। लेकिन हम लोग ये नहीं करते, हम उलझे रहते हैं छोटे छोटे कामों में। क्यों? क्योंकि ब्रेन को आपने बहुत सिकुड़ के रखा है, माइंड को आपने क्लटर बना के रखा है, आप उसको इवेपोरेट नहीं कर रहे। तो हमारे एक टेक्निकल वर्ड से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे रिसर्च में उसको कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस का मतलब ब्रेन से क्लटर को निकालना, माइंड से अनवांटेड थॉट्स को निकालना। इज इट राइट? राइट और रॉन्ग? तो ये चीजें आपको पीरियडिकली करनी पड़ेगी। जब आप माइंड से पुराने कंटेंट को निकालोगे ना, तो स्पेस अवेलेबल होगा, नया नॉलेज जाएगा, नई एनर्जी जाएगी आपके। बॉडी के अंदर भी बहुत सारी टॉक्सिन्स हैं और उसको निकालने के लिए हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना होगा। तो अगर आपको डिजीज फ्री होना है, आपको एसिडिटी से फ्री होना है या डायबिटीज से, कैंसर से, एलर्जी से, कोई भी चीज से अगर आपको फ्री होना है ना, आपको माइंड से चीजों को पहले निकालनी पड़ेगी। बिकॉज ऑल द डिजीज आर साइकोसोमेटिक, साइको मतलब माइंड, सोमेटिक मतलब बॉडी। डू यू गेट इट? तो जैसे जैसे आप अपने माइंड से निकाल दोगे कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये आराम से खा पी सकता हूँ, आराम से घूम सकता हूँ, आराम से चल सकता हूँ, मेरा कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छा है, मेरी मेमोरी पावर अच्छी है, हम अच्छी बातों को बाहर निकालें, हम बुरी चीजों को बाहर फैलाते हैं। और यूनिवर्स का एक रूल है, जो फेंकोगे वो वापस आएगा। मैं 10 लोगों को बोलूंगा यार आजकल टाइम बहुत खराब है, आजकल टाइम बहुत खराब है, तो ये बातें यूनिवर्स में जाएगी, आकाशिक रिकॉर्ड में जाएगी और वही चीजें वापस आपकी लाइफ में आएंगी, वही आपके ऑरा में अक्यूमुलेट होगा, अनवांटेड थॉट्स एंड इमोशंस। और हम बातें वही करते हैं जिससे हम ज्यादा परेशान हैं, राइट और रॉन्ग? चाहे हम रिलेशनशिप से परेशान हैं, उसकी बातें करेंगे, हम अभी फाइनेंशियली परेशान हैं, उसकी बातें करेंगे, हम कहीं पे फेल होते हैं, कोई मार्क्स कम आते तो उसकी बातें करते हैं, हमें कोई हेल्थ के इश्यूज हैं तो हम उसी की बातें करते हैं, यार आजकल पता नहीं क्या हो गया मेरा वेट बढ़ते जा रहा है, पता नहीं मेरा वेट बढ़ते जा रहा है। हर थॉट का 200 ग्राम वेट होता है, हर इमोशन का 500 ग्राम वेट होता है। अब आप सोचिए, वजन कम करने के लिए डाइट ज्यादा करना पड़ता है या थॉट या इमोशन को निकालना पड़ता है, मुझे बताइए। लोग जिम में जाते हैं तो भी वेट कम नहीं होता है, लोग एक्सरसाइज करते हैं तो भी वेट कम नहीं होता है, लोग योगा करते हैं तो भी वेट कम नहीं होता है, लोग डाइट करते हैं तो भी वेट कम नहीं होता है। हमने बहुत सारी रिसर्च की इसके ऊपर, बाद में हमें समझ में आया कि थॉट्स और इमोशंस की वजह से वेट बढ़ता है, खाने पीने की वजह से नहीं बढ़ता है। मैं 365 दिन ट्रैवलिंग करता हूं, रोज बाहर का खाना खाता हूं, मेरा वेट तो उतना ही है पिछले 15 साल से। पूरे लॉकडाउन में मैं 6 महीने घर पे भी रहा, लास्ट मार्च से लेकर सितंबर, तो भी मेरा वेट नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया हूं कि यहां जितने थॉट्स इमोशंस बढ़ेंगे यहां वेट बढ़ते जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमने एक थेरेपी सीखी, दैट इज कॉल्ड साइकिक सर्जरी। साइकिक मतलब माइंड, सर्जरी मतलब माइंड की सर्जरी मैंने सीखी बहुत साल पहले, 20-22 साल पहले, और मैंने उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई किया, पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई किया, तो देखा कि लोग धीरे धीरे डी एडिक्टेड हो रहे हैं, दारू सिगरेट को छुड़ा पा रहे हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर पा रहे हैं, थायराइड को ठीक कर पा रहे हैं, लोग अपने वेट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, वेट लोगों का अपना ट्यूमर खत्म हो रहा है। मतलब कुछ तो ऐसी स्पिरिचुअल थेरेपियां हैं जो लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसे हो सकता है। फिर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की पिछले जन्मों में, क्योंकि लोग कहते थे कि ये तो पिछले जन्म से लेके आए, ये तो पिछले जन्म से लेके आए, तो मैं देखना चाहता था कि पिछले जन्म से हम कैसे लेके आए, पिछले जन्म वाला इंसान तो मर गया, वो कैसे लेके आएगा। आप समझ में आ रहा है, आप नया मोबाइल खरीदते हो, अपनी ईमेल आईडी डालते हो और आप अपना पासवर्ड जैसे डालते हो, सारा डेटा वापस आ जाता है, आता है कि नहीं? मेरे मोबाइल में 4,500 कॉन्टैक्ट्स है, 20 साल से एक ही नंबर है, सारे कॉन्टैक्ट्स वापस आ जाते हैं, सब कुछ व्हाट्सएप के जितने भी हैं 10 GB सब कुछ वापस आ जाता है। इसका मतलब है कि कुछ तो चीज है जो हम वापस उसको रिपीट करते हैं, जन्मों जन्मों से रिपीट करते हैं। मैंने 3,500 लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रोसेस किया, तो कुछ लोग महाभारत के टाइम पे चले गए, कुछ लोग रामायण के टाइम पे चले गए, मैंने खुद अपनी 127 पास्ट लाइफ देखी, 127 पास्ट लाइफ देखी, और उसमें दो लाइफ तो यहाँ की थी, एक जयपुर की एक उदयपुर की, जिसमें मैं जैन साधु था,
तो वो जगहों पे मैं गया, पांडिचेरी गया, मैं लंदन गया, मैं काठमांडू गया, मैं गोवा जाके आया, जहां जहां मैंने जो अपनी लाइफ देखी वहां उस जगह पे जाके आया, मैंने वहां पे पूछा यहाँ पे ऐसा कोई घटना हुई थी, यहाँ पे ऐसे कोई आश्रम था, कोई मंदिर था, यहाँ पे कोई ऐसे बंदा रहता था, सब कुछ डेटाबेस में निकालना शुरू किया मैंने। मतलब आप सोचो मेरे अंदर कितना जुनून सवार है कोई भी चीज का रिसर्च करने के लिए। 6 महीने तक मैंने ये चीजें की, पहले जब 20 साल पहले ये प्रोसेस मेरे साथ हुआ, मैंने 21 घंटे नॉनस्टॉप मेडिटेशन किया था उस वक्त, और मैंने 6 अपनी पास्ट लाइफ देखी थी, और मैं हर उस 6 जगह पे जाके आया, तो सही में समझ में आया कि जो कुछ एक्चुअली पास्ट लाइफ में आपने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की है, जो आपने कुछ विक्टिमाइज्ड हुए हैं कोई कैलामिटीज के, आप बाढ़ में मर गए तो अभी आप स्विमिंग नहीं कर रहे हो, एक्सीडेंट में मर गए तो आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, पहाड़ से गिर गए तो आप कहीं पे भी ऊंची इमारत में बिल्डिंग में जाते आप नीचे नहीं देख पा रहे हो, मतलब ये कुछ तो आपके अंदर पहले से डेटाबेस है, उस डेटाबेस को, उस क्लटर को आपको निकालना पड़ेगा। अगर राइट, जब तक वो चीजें नहीं निकालोगे कैसे हो जाएगा। मैं जितनी बार भी मैं नया मोबाइल खरीदता हूँ, मैं देखता हूँ सब कुछ बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो अब मैं समझ गया कि नए मोबाइल को लॉग इन करने से पहले मुझे पुराने मोबाइल से बहुत सारे डेटा को इरेज करना पड़ेगा, और वो भी iCloud में जाके या उसका मेरा जो भी ईमेल आईडी है वहां से डेटा मुझे निकालना पड़ेगा। राइट, लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम मर जाते हैं। मैंने ये भी देखा है जो इंसान डायबिटीज से मरता है वो नेक्स्ट लाइफ जुविनाइल डायबिटीज से बॉर्न होता है, जो इंसान कैंसर से मरता है तो नेक्स्ट लाइफ वो छोटा बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो कैंसर के साथ बॉर्न होता है। तो मैंने वाड़िया हॉस्पिटल में मैंने पीडियाट्रिशियन का कोर्स किया, मैंने वाड़िया हॉस्पिटल में मैंने गायनेकोलॉजी का कोर्स किया, मैंने 600 से ज्यादा डिलीवरियां की। मैं ये देखना चाहता था कि भाई ये बच्चे बॉर्न होते हैं ये मेंटली रिटार्डेड या फिजिकली हैंडीकैप क्यों बॉर्न होते हैं, मतलब कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरा ऐसा कोई बच्चा बॉर्न हो, कोई चाहेगा मुझे बताओ, कोई चाहेगा, कोई बच्चा भी चाहेगा कि मैं ऐसे अपाइज पैदा हूं, नहीं। लेकिन ये कुछ पास्ट लाइफ का था जो मैंने उस इंफॉर्मेशन गैदर की, और जब हमने वोम रिग्रेशन करना शुरू किया मदर की, तो वो बच्चा धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो गया। हर चीज को हम क्लीन कर सकते हैं, हमारे पास इतने सारे प्रोसेसेस हैं, कितने सारे प्रोसेसेस हैं जिससे हम अपने ये सबकॉन्शियस क्लटर्स को निकाल सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं हमारे पास, लेकिन हम सिर्फ अपनी पढ़ाई में उलझे हुए हैं, हम सिर्फ डिग्री हासिल करने में उलझे हुए हैं, हम सिर्फ अच्छे प्रोफेशनल सक्सेसफुल पर्सन बनने में उलझे हुए हैं, हमें कोई लेना देना नहीं हमारे माइंड में क्या क्लटर है, हमारी सोल क्या कैरी कर रही है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, इज इट राइट। और जो लोग धर्म को भी मानते हैं वो सिर्फ कर्म कांड करते हैं, वो सिर्फ रिचुअल प्रोसीजर्स करते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग, अपने माँ बाप को जाके पूछो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड व्हाट एवर यू आर डूइंग, 3 घंटा पूजा पाठ कर रहे हो, वो बोलेगा कुछ नहीं मेरे माँ बाप करते थे मैं कर रही हूं तुम्हें भी करना होगा। विल यू बिलीव इट ब्लाइंडली, आप करोगे मुझे बताओ, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको साइंस ही नहीं पता, आपको अंदर से ही नहीं लगेगा करने के लिए। राइट, तो जैसे आप इस सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हो ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब नॉलेज आपके पास आ जाएगा। हम लोग इंसान को सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करते, हम लोग उनको चैनलाइजिंग भी करते हैं। चैनलाइजिंग का प्रोसेस है कि जहां पे किसी हायर मास्टर से, हायर गुरु से हम उनको कनेक्ट करते हैं, लाइट से कनेक्ट करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते हैं हम लोग, और उस डाउनलोड को जैसे आप कैसे गूगल से डाउनलोड करते हो ना, है ना, आपको कोई YouTube अच्छी लगी तो आप उसको डाउनलोड कर लेते हो, तो इस तरह से आकाशिक रिकॉर्ड में सब कुछ अवेलेबल है, ईथर एलिमेंट में सब कुछ अवेलेबल है, आपको इस सुपर कॉन्शियस माइंड से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जितने भी आप अभी रिसर्च कर रहे हो ना, आपको पता है ये रिसर्च बहुत पहले हो चुके हैं, बहुत पहले हो चुके हैं, आप सिर्फ उसको सर्च कर रहे हो, सिर्फ सर्च कर रहे हो। ये न्यूटन, आइंस्टाइन, ये लोग भी कोई लाइफ में संत साधु रह चुके थे, और इन्होंने भी बहुत सी साधनाएं की थी, सिर्फ कुछ लाइफ में हम सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो हम डेटा को बाहर निकालते हैं और हमारे नाम से वो पब्लिकेशन हो जाता है, अदरवाइज ये बहुत जन्मों पहले से इसके ऊपर प्रोसेसेस हुए रहते हैं। ये इंडियन आइडल में या लिटिल चैंप ये बच्चे गाना गाते हैं, डांस करते हैं, आपको लगता है कि ये इसी लाइफ का कोई इनका पुरुषार्थ है, इन्होंने एफर्ट्स डाले, नहीं, कितनी लाइफ से ये लोग डांस करते आ रहे, कितनी लाइफ से ये लोग गाने गाते आ रहे, राइट, लेकिन ये किसी ने रिसर्च नहीं किया कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, और कुछ टाइम के बाद यही लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब ये लुप्त हो जाते हैं, इनका तो कोई नामो निशान भी नहीं रहता है। जो फर्स्ट इंडियन आइडल था आज वो पता नहीं कहां चला गया, जिसने 2 साल पहले केबीसी में 1 करोड़ रुपए कमाया वो पता नहीं वो इंसान कहां गायब हो गया,
मतलब ये एक साइकिल होती है एनर्जी की, वो अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे, आप अपने ऑरा को पॉजिटिव मेंटेन नहीं करोगे, कर्म की एक साइकिल है जो आपको डाउनफॉल करेगी, ये 100% ये यूनिवर्सल साइकिल है। एक इंसान ऊपर आता है, दूसरा इंसान उस टाइम के नीचे जाता है, जो नीचे होता है वो कुछ टाइम के बाद ऊपर आता है। अगर आपको परमानेंटली सक्सेसफुल रहना है, आपको ये सुपर कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? और अगर आप ये कर लिए तो आपको कोई कंपटीशन नहीं। जब मुझे मेडिकल डिग्री मिली थी, मैंने प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन पूछा था, मेरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से, टीके चक्रवर्ती, मैंने कहा सर आपने मुझे ये डॉक्टर की डिग्री दे दी, आपने कहा कि उदय तू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, लेकिन आपको लगता है मेरी मेडिकल प्रैक्टिस चलेगी? उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या? बोले अगर तुम अपने सब्जेक्ट में बेस्ट हो ना, तुम्हारे लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। और वो बात मैंने दिमाग में रख ली। Is it right? जब मैं 12th में था तो एग्जाम के टाइम पे मुझे जॉन्डिस हो गया, मुझे टाइफाइड हो गया, मैं बहुत बीमार हो गया, तो मैं हॉल टिकट लेने के लिए नहीं जा पाया। तो जब मैं बहुत लेट गया तो मेरे उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम, सो डू राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो उस दिन मुझे समझ में आया मैं गलत टाइम पे आया, नो डाउट मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं जा पाया, बट हर चीज समय पे करनी चाहिए। अगर उस समय पे आप नहीं करते हो, यूनिवर्स पता नहीं कब आपको वापस ये मौका देगा। Am I right or wrong? तो छोटी छोटी बातें जो आप सीखते हो ना, that is really the God for you. मैं भगवान उसको मानता हूं जो मैसेज देता है। अगर आप मुझे कोई अच्छा मैसेज आप फॉरवर्ड करोगे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, मैं आपको भगवान मानूंगा, क्योंकि कुछ तो आपने मुझे आज अच्छे मैसेज दिए। मैं कोई वेट नहीं करूंगा कि कृष्णा या राम या हनुमान या मोहम्मद पैगंबर या जीसस जैसा कोई बंदा मेरे लाइफ में आए, मैं ऐसा वेट नहीं करूंगा। मैं आप जैसे लोगों के लिए वेट करता हूं कि मुझे इंफॉर्मेशन दो, मुझे नॉलेज दो, मुझे आपका एक्सपीरियंस सुनाओ। यू आर गॉड फॉर मी। और जिस दिन आपने इन सभी लोगों को गॉड समझ लिया, मुझे नहीं लगता आपके अंदर कोई भेदभाव रहेगा, बिकॉज आपका ये सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया। अब मैं लास्ट एक बात बताता हूं, जिसका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया उसके अंदर सुपर जीन्स एक्टिव हो जाते हैं। अब ये मैं लास्ट आपको एक साइंस के बारे में समझाता हूं। सुपर जीन्स का मतलब हर सोल एक सुपर टैलेंट के साथ बॉर्न हुआ है। आपके अंदर भी कुछ एक यूनिक क्वालिटी है, वो सुपर जीन्स है। जिस दिन आपने उसको टैप किया, उसको एक्टिव किया ना, आपके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आने वाले 10 साल 20 साल, आने वाले कितने सालों तक आपको कोई चैलेंज नहीं है, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके सुपर जीन्स एक्टिव है। समझ में आ रहा है? अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी हम स्ट्रेस में, अभी हम स्ट्रेन में, क्यों हमारे सुपर जीन्स एक्टिव नहीं हुए? मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर एक्चुअली इनबॉर्न टैलेंट क्या है। हम कोई दुकान में जाते हैं ना, मोबाइल की दुकान में, वो कहता है कि ये मोबाइल में ये कैमरा अच्छा है, इसमें ये साउंड, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये इंटरनेट फैसिलिटी बहुत फास्ट है, इसमें मेमोरी ज्यादा है। फिर हम डिसाइड करते कि भाई मुझे जो चाहिए वो किसमें है, तो मैं वही प्रोडक्ट खरीदता हूँ। आपके अंदर भी कुछ यूनिक क्वालिटी दे के ऊपर वाले ने आपको नीचे भेजा है, बस उस यूनिक क्वालिटी को सुपर जीन्स एक्टिवेट कर लीजिए। मुझे भी 20 साल पहले पता चला कि मेरी जो विजन्स है वो थर्मल विजन्स है। मतलब मैं लोगों की ऑरा रीड कर सकता हूं, मैं लोगों की माइंड रीड कर सकता हूं, मैं लोगों की एनर्जी फील्ड देख सकता हूं, ये मेरा सुपर टैलेंट है। मैंने उसको एक्टिवेट कर लिया, जिसको छाया शास्त्र कहते हैं। और फिर मैं पास्ट लाइफ में गया तो मैं नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बहुत जन्मों पहले वहां पे भी मैं यही चीजें पढ़ाता था, तो उसी चीज को मैंने रीएक्टिवेट किया। मैंने दो अपनी एनिमल लाइफ देखी, एक आउल की लाइफ देखी, एक ईगल की लाइफ देखी, और वो भी क्वालिटी आज मेरे अंदर रीएक्टिवेट हो गई है। इसलिए मैं बहुत फोकस्ड हूं और मैं मेरे अंदर थर्मल विजन से। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटी से प्लीज उसे बाहर निकालिए। सिर्फ किताबी कीड़े बन के मत रहिए, सिर्फ डिग्री के लिए यहां पर मत रहिए, सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में क्या यूनिवर्स में सिर्फ आप स्टेटस के लिए मत जिंदा रहिए। मैं तो कहता हूं कुछ तो यूनिक करके जाइए यहां से। क्या आपके जाने के बाद भी लोग कहेंगे यार ये बंदे ने तो कुछ जबरदस्त काम कर दिया। मेरे करीबन 850 वीडियोस हैं जो साई करुणा मिशन के नाम पे अपलोडेड हैं। मैं मर भी जाऊंगा ना, ये वीडियोस चलती रहेगी, जैसे ओशो की चल रही है कि नहीं, गोयंका जी की चल रही है। ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जिनकी वीडियोस चल रही है। रामदेव बाबा भी नहीं रहेंगे ना एक टाइम पे, उसकी भी वीडियोस देख के लोग योगा करेंगे, करेंगे कि नहीं? क्योंकि उन्होंने अपनी सुपर चीज को एक्टिवेट किया है, वो और कोई चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो आपके अंदर भी जो एक बेस्ट चीज है ना, प्लीज आप उसे बाहर निकालिए। और जिस दिन आप उसे निकाल पाएंगे ना, आपका ये जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा।
आपको कोई इश्यू नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अमिताभ बच्चन का कोई एक्टिव वेट हुआ है, लता मंगेशकर का एक्टिवेट हुआ है, सचिन तेंदुलकर का एक्टिवेट हुआ है, ये सारे लोग का बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हुआ है। आपको कुछ थोड़ा करना होगा, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? अदरवाइज आप कॉमन ह्यूमन कैटेगरी में रहोगे और कॉमन ह्यूमन कैटेगरी की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ 135 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया में है, वर्ल्ड में आपकी क्या पॉपुलेशन होती है? आप कहाँ खड़े हो पूरे वर्ल्ड में? कहीं पे भी तो नहीं। इज इट राइट अराउंड? तो प्लीज कुछ ऐसा कीजिए जहां से आपका ये ऊपर का यूजर नेम और ये नीचे का पासवर्ड, ये दो चीज आपके मिलने चाहिए सुपर कॉन्शियस माइंड का। आपका अलाइनमेंट होना चाहिए यूनिवर्स के साथ। ऊपर वाला ऐसा ही किसी को नहीं भेजता है, किसी के अंदर हर एक एक यूनिक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के साथ वो नीचे भेजता है। और जब तक आप उस क्वालिटी को नहीं जान सकते ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं। कृष्णा की कुछ अपनी अलग क्वालिटी थी जो राम में नहीं थी, राम में कुछ अलग क्वालिटी थी जो गुरु नानक जी में नहीं थी, गुरु साईं बाबा में कुछ अलग क्वालिटी थी, महावीर में कुछ अलग क्वालिटी थी, बुद्धा में अलग क्वालिटी थी। राइट? कैन यू कंपेयर देम? टेल मी, कैन यू कंपेयर देम? वो हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग थे। बुद्धा ने अपनी 649 पास्ट लाइफ देखी तब उन्हें पता चला कि उनकी सुपर जीन्स क्या है। महावीर ने अपनी 513 पास्ट लाइफ देखी तब उन्हें पता चला कि वो क्या कर सकते हैं। उन्हें अहिंसा को बाहर निकाला, बुद्धा ने विपश्यना को बाहर निकाला। तो आपके अंदर भी कुछ तो होगा कि नहीं? मतलब ऊपर वाला जब आपको नीचे भेजता है तो यूनिवर्स के लिए भेज रहा है। आपको यूनिवर्स को कुछ ना कुछ देके जाना है। अगर आप देके जाओगे आप एग्जिट हो जाओगे, आप कुछ नहीं देके जाओगे आप साइकिल में फंसे रहोगे। इट इज योर चॉइस कि आपको इसी साइकिल में रहना है या आपको बाहर आना है। राइट? तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि नॉर्मली हम सभी लोग बीटा फ्रीक्वेंसी में, स्ट्रेस फ्रीक्वेंसी में, सभी लोग, मैक्सिमम लोग। अगर मैं आपकी फ्रीक्वेंसी चेक करूं, मेरे पास बहुत सारे मशीन है, ईएसएम मशीन है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रल मेजरमेंट, आरएफआई मशीन है, रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग, बहुत सारे मेरे पास मशीन है। तो नॉर्मली हम लोग बीटा फ्रीक्वेंसी से जीते हैं। हमारी जो बॉडी जो हार्मोनी है, जो हार्मोन्स है, जो ऑर्गन्स है, जो सिस्टम्स है, जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, वो सारे अल्फा लेवल की वजह से चलते हैं, अल्फा फ्रीक्वेंसी से चलते हैं। आपका जो रीप्रोग्रामिंग सिस्टम है माइंड का या ब्रेन का जो रीफ्रेमिंग सिस्टम है वो ये थीटा फ्रीक्वेंसी में चलता है। आप कोई भी चीज को कभी भी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो, लेकिन आपकी जो सोल फ्रीक्वेंसी है, जो सुपर जीन्स है, वो डेल्टा फ्रीक्वेंसी से चलती है। तो जिस दिन आपने डेल्टा फ्रीक्वेंसी का कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस किया, मेडिटेशन किया, समझ लो आपके सुपर जीन्स एक्टिवेट हो गए। फिर आपको कोई चैलेंज नहीं है लाइफ में। इज इट राइट? अभी तो आपको कोई चैलेंज है, कोई कॉम्पिटिशन है, मुझे बताओ। लता मंगेशकर को कोई है? कोई भी नहीं है। तो आपके अंदर भी वो होना चाहिए। सो प्लीज फ्रॉम टुडे स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस फ्रीक्वेंसी। है ना? हम लोग बहुत अच्छा है इस टेक्निकल दुनिया में रह रहे हैं। 20 साल पहले ऐसे कुछ नहीं था, किसी के कोई डिस्कोर्सेज यूट्यूब पे नहीं थे, कोई म्यूजिक्स अवेलेबल नहीं थे। अभी बहुत कुछ अवेलेबल है, अच्छी अच्छी चीजें देखो। क्यों न्यूज चैनल देखते हो? सारे बीटा फ्रीक्वेंसी के। क्यों टीवी सीरियल देखते हो एकता कपूर के? सारे बीटा फ्रीक्वेंसी के। सब हॉरर चीजें देखते हो, बीटा फ्रीक्वेंसी के हैं। व्हाई टू वेस्ट द टाइम? न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हो? यहाँ वहां की बातें क्यों करते हो? जितना खाली समय मिलता है, भले आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मत करो, बस खाली बैठो, दैट विल टेक यू टू अल्फा फ्रीक्वेंसी, और धीरे धीरे वही आपको थीटा और डेल्टा पे ले जाएगा। इज इट राइट? मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आश्रम में जाके रहो, ये गुरु को जाके मिलो, ये प्रोसेस सीखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं खाली बैठना सीखो। तो आप बोलोगे नहीं नहीं खाली दिमाग शैतान का घर, जब भी खाली बैठने जाता हूं विचार बहुत आते हैं। तो फिर ब्रेथ पे ध्यान दो, सांसों पे ध्यान दो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे ध्यान दो। ये तो कर सकते कि नहीं? कल मैं एयरपोर्ट पे गया, बॉम्बे एयरपोर्ट पे इतना क्राउड था, मैंने तो कभी रेलवे स्टेशन पे भी नहीं देखा। तो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड है, मैंने उनको कहा चलो 20 मिनट हम साइड में ही बैठते हैं, हम अपना मेडिटेशन करते हैं। वहां इतना क्राउड था जो सिक्योरिटी चेकिंग में था, और हम 20 मिनट अपने मेडिटेशन में बैठे थे। जैसे हमें लगा थोड़ा क्राउड कम हो गया, हम आगे लाइन में, और इंट्यूटिवली हमने एक ऐसी लाइन पकड़ी जिसमें 10 मिनट में हम बाहर आ गए। बाकी के लोगों को और एक डेढ़ घंटा, उनकी फ्लाइट भी मिस हो गई, कल न्यूज़पेपर में भी आया, टीवी चैनल में भी आया। इट्स अप टू यू, आप कहीं पे भी शांत रह सकते हो, कितनी भी भीड़ होने दो। सामने टीवी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है, आप तो शांति से बैठा बैठ सकते हो। इज इट राइट? आपको इसे कहते हैं आउट ऑफ फोकस, मतलब जहां पे आपको क्राउड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आउट ऑफ फोकस होना पड़ेगा। और जहां पे आपको कोई अचीवमेंट चाहिए, वहां पे फोकस रहना पड़ेगा। इज इट राइट?
अभी मैं जब आपको टॉक दे रहा हूं ना, मेरी आंखें आउट ऑफ फोकस है, मैं किसी एक पर्सन को नहीं देख रहा हूं, लेकिन आप फोकस करके मुझे देख रहे हो। ये दो फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? सक्सेस होने के लिए फोकस करना पड़ता है। एक बार सक्सेस हो गए, ऑडियंस के सामने आपको आउट ऑफ फोकस होना पड़ता है। क्यों? इसलिए लोग है ना स्टेज पे आने के लिए डरते हैं। क्यों? आउट ऑफ फोकस नहीं हो पाते, उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन होता है, उनके हाथ पैर कांपते हैं, क्योंकि एनर्जी ड्रेन होती है ना। जब आप अपनी आंखों से मुझे देखोगे तो आप मेरी एनर्जी ड्रेन करो, तो इतनी एनर्जी तो चाहिए ना मुझे कि मैं आपके सामने खड़ा रह सकूं। इज इट राइट और रॉन्ग? साइंस है कि नहीं मुझे बताइए। हमारे मरने के बाद सिर्फ आंखें डोनेट होती है। क्यों? क्योंकि आईज में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, आंखों से हम देखते हैं। हम पास्ट लाइफ में भी जाते हैं ना तो सिर्फ आंखों से देखते हैं कि भाई वो क्या है। मतलब सोचो आंखों में कितना पावर है, समझ में आ रहा है? तो प्लीज डोंट वेस्ट द साइट, देखने में टाइम गवाओ मत। हमारे फाइव सेंसेस में या आईज का सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अनवांटेड चीजों को मत देखो, वो छवियां कैच करेंगे, कैमरा कैच करेगा, वीडियो कैच करेंगे और वो ब्रेन को ऑक्यूपाई करेगा और आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इज इट राइट? इससे तो मतलब ये आज इतना फिगर, आज इतने कोरोना से मरे, आज इतना हुआ, आज वेंटिलेटर में कम पड़ गया, ऑक्सीजन कम पड़ गया, ये जो भी यूनिट्स आप देखते हो ना, ये पैनिक क्रिएट करता है। ये मर गया, वो बेचारा इतना अच्छा था, वो मर गया। डोंट गेट पैनिक, लेट यूनिवर्स डू इट्स ओन वर्क, यू बी बिजी इन योर ओन वर्क। इज इट ओके? सो बिफोर आई एंड द टॉक, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? यस सर। हाँ 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 राइट राइट जगह जहां पे बैठने लायक हो। मैं तो बीच में भी ऐसे बैठ सकता था, काफी बार मैं बीच में भी बैठता हूँ, ऐसा है। लेकिन अगर कोई आइसोलेटेड प्लेस अवेलेबल है, जैसे अभी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है, वार्ड में है, और आपको कहा जाता है बाहर वेटिंग रूम में बैठो, आप पेशेंट के साथ भी बैठ सकते हो, लेकिन उनके ऑरा से आपको डिटैच होंगे तो बेटर है। तो आपको बहुत जल्दी सुकून मिलेगा, बहुत जल्दी आप रेस्टिंग फेज में जाओगे। उसी रेस्टलेस ऑरा एनर्जी फील्ड में आप रहोगे तो ज्यादा समय लगेगा आपको साइलेंस में जाने के लिए, है ना? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर नहीं अवेलेबल है तो आप भीड़ के बीच में भी शांति से बैठ सकते हो, लेकिन कहीं अगर अवेलेबल है तो आप आइसोलेट होके भी बैठ सकते हो, डजंट मैटर, राइट? ये तो कल अवेलेबल थी क्योंकि कल एयरपोर्ट था। अगर मैं रेलवे स्टेशन बॉम्बे में, तो मैं रोज ट्रेवल करता हूँ लोकल की ट्रेन में, वहां तो अवेलेबल ही नहीं होती है जगह। कहां पे? प्लेटफॉर्म पे भी खाली नहीं बैठते लोग, ट्रेन के अंदर भी खाली नहीं बैठते, कोई जगह ही नहीं बची। फॉर्चुनेटली कल एयरपोर्ट पे ऐसा था कि एक कॉर्नर था जहां पे खाली था, तो मैंने कहा चलो थोड़े देर के लिए हम वहां शांति से अपने ब्रेथ पे फोकस करते हैं, तब तक इनका खत्म होने दो। क्योंकि पता चला कि आज के दिन 40 फ्लाइट्स ज्यादा उन्होंने अरेंज करके रखी थी क्राउड के वजह से, तो डेफिनेटली ये चीजें होती है, राइट? मैं तो एक साइंस समझा रहा हूं कि कौन सा साइंस कब अप्लाई करना, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। जब मैं भी बिगनर था, जब मैं मेडिटेट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन अभी तो 20-22 साल हो गए, रोज सुबह 3:15 बजे उठ के मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, हीलिंग करता हूँ, क्योंकि अब मेरी एक रूटीन बन गई है। मैं 12-1 बजे भी सोऊंगा तो भी 3:15 बजे उठ जाता हूँ। कल भी मेरी सुबह फ्लाइट थी तो मैं 2:30 बजे उठ गया और 3 बजे से मैंने योगा शुरू किया और 6:30 बजे तक मैंने सब अपने प्रोसीजर्स खत्म किए और फिर मैं ब्रेकफास्ट करके मैं एयरपोर्ट पे निकल गया। तो ऑलरेडी मैं चार्ज्ड अप था। मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप अच्छे एकेडमिक फील्ड में हो, आप इतना मतलब माइंड लगाते हो, इतनी पढ़ाई करते हो, इतना पढ़ाते हो, तो डेफिनेटली आपको तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, समझ में आ रहा कि नहीं? जो लोग बॉडी लेवल पे काम करते हैं उनको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जितनी माइंड लेवल पे लोग काम करते हैं ना उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ना। अभी पहले हमारा 2 GB रैम का मोबाइल इनफ था या लैपटॉप इनफ था, अभी तो 6 GB 8 GB भी कम पड़ जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन बढ़ गए, सॉफ्टवेयर हैवी हो गए, तो रैम भी बढ़ गया। Is it right or not? तो इसी तरह से हमारा रैम क्या है? सुपर जीन्स है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, ये हमारा रैम है। जितना ज्यादा आप उसके साथ कनेक्ट रहोगे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी।
Is it right? Yes, any other question? Yes, ma'am. हाँ अनकॉन्शियस देखो सबकॉन्शियस माइंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स प्योर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड. जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका अनकॉन्शियस माइंड ज्यादा होता है, उनकी मतलब पास्ट लाइफ की मेमोरीज ज्यादा होती है. जो राइट हैंडेड लोग होते हैं उनके अनकॉन्शियस माइंड थोड़ा कम होता है, उनके पास्ट की मेमोरीज कम होते हैं. ये भी हमने रिसर्च में देखा है करके, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड नॉर्मली 40% ये होता है तो प्योर सबकॉन्शियस 60% होता है. अगर अनकॉन्शियस 60% रहता है तो सबकॉन्शियस 40% होता है. तो ये 40-60 का एक रेशियो होता है, राइट? तो हम कहते हैं ना कि कुछ तो ये पिछले जन्मों से ही ले आया है कुछ इन्फॉर्मेशन. जैसे श्री श्री रविशंकर थे या सत्य साई बाबा थे, 7 साल की उम्र में इनको पूरी भगवद गीता आती थी, किसी ने पढ़ाया नहीं था, या स्वामी विवेकानंद थे, राइट? तो कुछ लोग अच्छे डेटाबेस के साथ आते हैं, कुछ लोग रिवेंज एटीट्यूड हेट्रेड ये सारी चीजों को लेके रिबर्थ लेते हैं. तो बचपन से ही वो लोग एग्रेसिव होते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं वो लोग, राइट? यस यस मैम. आई कांट हियर यू मैम, सॉरी. या राइट नाउ आई मीन सुपर कॉन्शियस माइंड. हाँ डेल्टा, बिकॉज आई एम यूजिंग सर्टेन सिंबल्स, आई नो फ्यू टेक्निक्स हाउ टू बी इन द डेल्टा लेवल. आई सेड नो आई हैव फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर मशीन्स, RFI, रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग, ESM, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रल मेजरमेंट, सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दोज मशीन्स. You can go through my website. I can send you all the details of the instruments. बहुत सारे चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं. As a medical doctor भी मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी. अच्छा हुआ मैंने explore करना शुरू किया. मैं जर्मनी में गया या लंदन में गया, दुबई में गया, सिंगापुर में, जहाँ जहाँ पे मुझे जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी I had to purchase. मैंने एक छोटा सा Aura का सॉफ्टवेयर में मुझे 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा. And I am the first person in India जिसने Aura के ऊपर PhD की, because कोई था ही नहीं इंडिया में पढ़ाने वाला. राइट? तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. मैं ऐसे नहीं कहता हूँ आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि मैं कोई ऐसा कोई बड़ा संत नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कि आप मुझे फॉलो करो. मैं कहता हूँ साइंस को फॉलो करो. मैंने भी साइंस को ही फॉलो किया है, राइट? तो हो सकता है कहीं रिसर्च मेरी अधूरी हो या कमजोर हो, तो आप उसको अच्छे से पूरी कर सकते हो. ऑलरेडी 1200 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से. आप लोग भी मेरी टीम में ज्वाइन हो सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो. इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, है ना? हमारे पास यंग बच्चे भी आते हैं, हमारे पास कोई 70+ भी लोग आते हैं. तो उनके पास जो भी डेटाबेस है या जो भी उनका जो एक इंट्यूशन है, जो रिसर्च किया हुआ है, हम ट्राई करते हैं उसको पब्लिक पे अप्लाई करने के लिए. और जब हम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली समझ में आता है कि कितना वर्क कर रहा है, है ना? यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर. गुड इवनिंग. हाँ गुड इवनिंग. I read somewhere that crisis leads to poetry. Huh. So if you are in the delta stage or you are in the super conscious mind, huh, most of the external things won't affect you, right? Yeah. So if nothing affects you, So wouldn't you become uncreative, or you won't do anything at all? So if you are not in a stage of panic or no crisis at all, Why will you do anything? Mm-hmm. So Will I not become inactive after learning this? Exactly. तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको डेल्टा स्टेज पे तभी रहना है जब आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके बाद आप वापस अल्फा स्टेज पे आ जाओ. बी नॉर्मल ह्यूमन बी, जो भी आजू बाजू में होता है उसको एक्सपीरियंस करो, विटनेस करो, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है आपको, उसको ऑब्जर्व करना है. इज इट राइट? इन्वॉल्व हो जाओगे तो क्या होगा, आपकी और उसकी एनर्जी मैच हो जाएगी. इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना है, विटनेस करना है, अपनी मन की आंखों से देखना है. लेकिन ऐसा नहीं, अरे यार ऐसा हो गया, फिर आप भी रोना शुरू करोगे, आप भी पैनिक होना शुरू होगे, राइट? तो वो इमोशनली हर्ट होने के लिए जरूरत नहीं है, 80% के ब्रेन में जाने की जरूरत नहीं है. 60-80% का जो सबकॉन्शियस एनालिटिक है उतना ही किया तो भी इनफ है. जैसे हम कभी भूत प्रेत की फिल्म देखते हैं, हम इन्वॉल्व होते तो पैनिक हो जाते, आग बंद करते, गया क्या वो सीन, गया फिर खोलते आग. लेकिन हम देखते कि ठीक है यार, ये तो क्या है, सिनेमेटोग्राफी है, ये तो मैनिपुलेट किया, ये थोड़ी असल में, तो कुछ नहीं लगता, बिकॉज आप लॉजिकली उसको देख रहे हैं. इज इट राइट? यस. और कुछ? यस मैम. गुड आफ्टरनून.
कहा ना कि सिर्फ 33% आपका अपना प्रेजेंट लाइफ का इंप्रेशंस है, 66-67% ये कहीं ना कहीं या तो पेरेंट्स के कुछ इश्यूज के वजह से डीएनए जीन्स में हमारे आए हैं, या कुछ 33% पास्ट लाइफ से हमारा कुछ तो आया है। जैसे मैंने काफी जैन साधुओं के ऊपर रिसर्च किया कि ये लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, सिर्फ जैन साधु की नहीं, बहुत सारे साधु संतों को मैंने देखा कि वो उनको डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, गैंग्रीन हो जाता है, ये क्यों होता है, इतना मतलब धर्म करते हैं, इतना रिचुअल्स फॉलो करते हैं, कुछ तो इनके पास लाइफ का बाद में मुझे समझ में आया कि कुछ लेसन सीखना बाकी था, इसलिए ये लाइफ में बने तो संत है लेकिन कुछ कर्म पिछले लाइफ का लेके आए और ही इज गोइंग टू दैट लेसन, तो वो तो डेफिनेटली वन हैज टू गो थ्रू इट, है ना। तो हम उनको प्रेजेंट लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते कि प्रेजेंट में तो ये इतने अच्छे थे फिर इनको ऐसा क्यों हुआ। मैंने भी ये एक क्वेश्चन मेरे अंदर बहुत साल पहले क्रिएट हुआ और मैंने उनकी ऑरा रिसर्च करना शुरू की, तब मुझे पता चला कि कहीं तो कुछ चीजें इनकम्प्लीट थी। जैसे स्कूल में अगर आपकी ग्रामर वीक हुई होगी, आज भले आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आज भी आपको तकलीफ होगी कि नहीं, लिखने में बोलने में तकलीफ होगी कि नहीं, क्यों, स्कूल में आपकी ग्रामर वीक थी। अभी तो ग्रामर की जरूरत ऐसे तो नहीं है, सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन लिखने में पढ़ने में भी अभी ग्रामर लगती है, करती है ना, व्याकरण तो सभी जगह आता है, राइट। सो दिस इज द थिंग, वी कैनॉट कंपेयर विद द प्रेजेंट लाइफ एंड द सिचुएशन थ्रू व्हाट इज गोइंग ऑन, यू नेवर नो द स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी, है ना। हर इंसान के पीछे एक कहानी है और उसकी सोल की स्टोरी है, वो आप कैसे पढ़ सकते हो। वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे आपने कहा कि हम जो अपनी बुरी बातें हैं या जो हम रिलेशनशिप में या किसी में भी एक्सपीरियंस करते हैं तो हम एक दूसरे को बताते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं, तो वही चीज यूनिवर्स में अट्रैक्ट होती है, वही हमारे साथ आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हमने सोची भी ना हो, जो चीज हमने किसी से बोली भी ना हो, वो भी होती है, वो भी होती है, वो एक्जेक्टली कभी तो निकाली होगी। आज आप मेरे साथ बात कर रहे हो, आपको पता है क्या बोल रहे हो, आपको क्या पता कि 10 साल पहले आपने कौन सी ऐसी बातें बोलने के लिए बोल दी है और आज वो चीज आपके ऊपर मैनिफेस्ट कर रही है। आज ये कोरोना आया है तो ऐसा ही तो नहीं आया, कुछ साल पहले हमने मेट्रो बनाई, फ्लाईओवर बनाए, टनल्स बनाए, मॉल्स बनाए, हमने कब क्या डिस्ट्रक्शन किया हमें नहीं पता, जब आउटपुट आते तब हम सोचते थे ऐसा क्या हो गया, कोरोना को क्यों आना पड़ा। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट योर थॉट्स, योर एक्शंस, योर फूड इनटेक, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप जागरूक रह के कर सकते हो ना तो आप गलतियां नहीं करोगे, लेकिन आप बेहोशी में करते, होश में कुछ नहीं करते, क्योंकि 80% बेहोशी से जी रहे हैं, सिर्फ 18% होश से हम जी रहे हैं, am I right? सिर्फ 18% है। तो आज हम पे समझ भी नहीं आ रहा ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कभी तो कुछ तो ऐसा किया रहेगा। नेचर क्यों आपको पनिश करेगा, किसको जरूरत है आपको टॉर्चर करने के लिए, आपको बुरे रिलेशनशिप में डालने के लिए, बुरे जॉब में डालने के लिए, मतलब हेल्थ का इशू क्रिएट, किसको जरूरत है, किसको क्या मिलने वाला है इस दुनिया में, या आपने ही यहाँ डेटाबेस क्रिएट किया है और यही चीज से आप ही सफर हो रहे हो। मैं जब अपनी फोटो की गैलरी में जाता हूँ, अरे ये फोटो कब मैंने डाउनलोड किया, ये मैंने कब, फिर मुझे पता चलता है हाँ पहले मेरा जो मोबाइल था उसमें ऑटो डाउनलोडिंग था, तब मुझे पता नहीं था कि आप उस डाउनलोड को बंद भी कर सकते हो, तो वो वही सारी फाइलें अनवांटेडली हर बार कैरी फॉरवर्ड हो रही है। या एक मिनट, वो सर बोला जब मैं वेस्टर्न कंट्रियों में जाता हूं वहां पे मैं देखता हूं लोग है ना बहुत अवेयरनेस के साथ रहते हैं, दे आर नॉट रिलीजियस पीपल, दे आर नॉट स्पिरिचुअल पीपल, बट दे आर अवेयर। तो वो ऐसे गाड़ी भी चलाते हैं ना तो इन्हें पता रहता है कि कोई क्रॉस कर रहा है तो उनको पहले क्रॉस करने देंगे। अब तो काफी बार देखते भी नहीं क्योंकि वो बीच में आ रहे तो गाड़ी चलाते हैं, और देख भी लिया तो सोचते अरे वो रुक जाएगा, मैं क्यों रुकूं उसके लिए, और हम आगे जाते हैं। हां यस, यू कैन आस्क। हां, तो जैसे कि जो हमने नहीं सोचा वो भी हमारे साथ होता है, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई और हमारे बारे में बहुत बुरा बुरा सोच रहा है, हाँ, बहुत बद्दुआ दे रहा है, हाँ, कि काश इसके साथ ऐसा हो जाए, हाँ, तो
वो होगा ही सही हमारे साथ, क्या हम उसको एक कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं हम उसकी नेगेटिव एनर्जी को एकदम रेजिस्ट कर सके? आपने अगर पुरानी जो भी सीरियलें देखी होगी, महाभारत या रामायण, आपने देखा हो गया कि कुछ तो गुरु वरदान देते थे और कुछ तो श्राप भी देते थे, देखा था कि नहीं? और हम देखते थे कि सही में ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि सामने वाले की एनर्जी बहुत ज्यादा है और आपकी एनर्जी कम है, तो ये कर्स हो गया। सामने वाले की एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसने ब्लेसिंग दी तो आप नहीं लायक होते भी आपको कोई अचीवमेंट मिल जाता है। जैसे आज हमारे माँ बाप दिन रात हमारे लिए प्रेयर करते हैं, हम इतने लायक भी नहीं है तो भी उनकी दुआएं हमें काम आ रही है, राइट और रॉन्ग? आज आप प्रोफेसर लोग हो, अपने स्टूडेंट्स को ब्लेस करते जा रहे हो, गुड लक करते जा रहे हो, आपको पता है ये बंदे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो भी आप गुड लक देते हो कि नहीं? हो सकता है आपके गुड लक की वजह से ये बंदा पास हो रहा है, हु नोज दैट? पूरे साल भर तो देखा कि यार ये तो टाइम पास ही कर रहा था, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है भाई मैं इसको ब्लेस करूं, है ना? हम भी डॉक्टर है, हम देखते हैं पेशेंट 30 साल से दारू सिगरेट पी रहा है, इसको लीवर कैंसर हो गया, तो भी गुड लक कहते हैं कि भाई तुम अच्छे हो जाओगे, डरो मत, सिरोसिस ऑफ लीवर निकल जाएगा, जबकि हम उनको बदवा रहे हैं या पिया ना चल भर सड़के, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पर नहीं निकलती अंदर से ऐसी आवाज, बिकॉज अभी हम अवेयर आ गए, क्योंकि आज हम उसको बदवा उसकी बुराइयों के लिए देंगे, कल कोई हमें बदवा देगा हमारी बुराई के लिए जो हम नहीं जानते। आज आप दूसरों की बुराइयां देख सकते हो, आपका कॉन्शियस माइंड 80% का सामने देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, आपका 80% पीछे वो आप नहीं देख पा रहे हो, दूसरा बंदा आपका पीछे का ब्रेन को देख रहा है, माइंड को देख रहा है 80% कि वो क्या गलतियां कर रहा है, इज इट राइट? तो मेडिटेशन का मतलब क्या है कि पीछे के माइंड को देखो, अंदर जाओ, अंदर के माइंड को देखो कि अंदर क्या भर के आए हैं हम लोग, सिर्फ हमें टॉन्टिंग नहीं करना या ताने नहीं मारने हमें किसी को, हमें एक्चुअली स्टडी करनी है कि ये क्यों डर रहा है, ये क्यों हर बार गुस्सा होता है, इसके साथ क्यों मेरा नहीं जम रहा है, यह आपको पता लगाना होगा, राइट? Yes, any more question before we end today? Yes, sir. क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि चाइल्ड होता है उसका ब्रेन ब्लैंक होता है कि क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया, हर इंसान पहले से ही 33% का कुछ तो डेटाबेस लेके आया है। आज आप नया मोबाइल भी दुकान से खरीदते हो, कंप्यूटर खरीद के लाते हो, कुछ तो पहले से इनबिल्ट सॉफ्टवेयर रहते कि नहीं? पहले पहले डॉस वाले आते थे कि भाई आपको जो विंडोज 7 डालना है, 8 डालना है, डाल के जो विस्टा डालना है, अभी तो बाय डिफॉल्ट ही आता है विंडोज 10, 11 पहले से ही आता है। तो हम भी इंसान इस कलयुग में जो आए हैं ना, वो प्लेन कभी नहीं आ सकते, और जो प्लेन आता है वो एनलाइटेड सोल होता है, और एनलाइटेड सोल को जन्म लेने की जरूरत ही है। समझ में आ रहा है? यस सर। आप अगर sensitized हो, आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले बंदे को मिलके मुझे अच्छा लगा, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव है। सामने वाले के वाइब्स अगर नेगेटिव है तो आपको लगता है मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ, दैट इज डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, राइट? हम नॉर्मली दूसरों के लिए सेंसिटाइज्ड है, डोंट बी दैट, बी सेंसिटाइज्ड टू योर ओन एनर्जी फील। समझ में आ रहा? क्योंकि हमें क्या है ना, उससे अफेक्टेड नहीं होना है, उससे इन्फेक्टेड नहीं होना है, अपने आप को प्रोटेक्शन में डालना है। तो अगर मेरे बाजू में कोई कोरोना वाला बैठता भी है जिसको एक्टिव सिम्टम्स भी है, और मैं अगर प्रोटेक्शन में हूं, तो मुझे उसका कोई वायरस मेरे अंदर एनर्जी फील्ड में नहीं जाने वाला है। लेकिन मैं सोचूंगा यार ये बाजू में बैठा मुझे तो नहीं हो जाएगा, वो डर की वजह से मैं और वायरस को अंदर ले रहा हूँ, तो वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को मैं खींच रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, तो डेफिनेटली वो वायरस मेरे अंदर आएंगे। अभी लोग बोल रहे थे हम बाहर घूम रहे थे, कुछ नहीं हुआ, हम घर पे बैठे हमको कोरोना हो गया, बाहर घूम रहे थे जो फियर क्रिएट किया, घर पे आके उसी फियर के बारे में सबकॉन्शियसली सोचना शुरू किए, तो कोरोना तो आएगा ही, राइट? सर एक क्वेश्चन और। हाँ सर, कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज हमारे साथ रैंडम होता है और हमें एनालाइज होता है कि ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? वो तो होने ही वाला है, मैंने यही कहा ना, एवरीथिंग वर्क्स विद अ पैटर्न, हर चीज एक बायोरिदमिक साइकिल है। जर्मन के एक साइंटिस्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, पहले तो पेड़ था, अभी तो फ्रीली अवेलेबल है, आप टाइप कर सकते हो गूगल पे,
बायोरिदमिक साइकिल करके, हर चीज साइकिल के हिसाब से होती है, एक रिदमिक पैटर्न है कि कुछ टाइम के बाद वापस वही सिचुएशन आपकी आती है। जैसे आपने बोला फर्स्ट वेव आई, फिर लोग बाहर घूमने गए, फिर सेकेंड वेव आई, देखो एक साइकिल आ गई। अब लोग थर्ड वेव के लिए वेट कर रहे हैं, तो अगर आप गलतियां करोगे तो थर्ड वेव आएगी, फियर ज्यादा होगा तो फिर थर्ड वेव आएगी। ये साइकिल है, इस साइकिल को ब्रेक करना जरूरी है, है ना। हम फैशन की भी देखते हैं कि कुछ 40 साल पहले कुछ कपड़ों की फैशन थी, आज वो फैशन आ रही है ना। तो ये चीजें होती है, वो डिजाइन है, वो पैटर्न है, वापस आती है, दोबारा रिसाइकलिंग होती है चीजों। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। मतलब जब इंसान के पास टेलीफोन्स नहीं थे तो लोग घर पे शांति से बैठते थे, आज लोगों के पास मोबाइल है तो मोबाइल स्विच ऑफ करके शांति से बैठते, है कि नहीं। तो पहले हम सोचते थे हम कितने लकी है, वो टाइम पे फोन नहीं था, आज हमारे पास है, लेकिन अब हम उसी चीज से परेशान हैं, राइट। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। सर, आई मीन आई एम नॉट रिजेक्टिंग योर थीसिस, व्हाटएवर यू सेड, या but it put my question which is very traditionally scientifically as well as in our own culture and philosophy, Indian right. philosophy right. is very century old. Yes, that whole world started with a one concept called as tabula rasa. Right. But you are again, when I compare, I study your things from that perspective, you are saying that nothing is tabula rasa, everything you brought from the past, and you are actually rejecting the whole world philosophy, which is based on the first concept, tabula rasa. I am still confused whether whatever we studied or whatever. No, there is nothing confusion. मैं आपको एक simple समझाता हूँ। हमारे 7 types के lives होते हैं, infant soul, baby soul, young soul, mature soul, old soul, transcendental and infinite. 7 प्रकार के souls होते हैं। उसके ऊपर भी अभी actually क्या है, ये एक normal seminar है इसलिए मैं depth की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब अब ये question आया तो definitely I have to answer, that's a part of my life. तो जब हम infinite soul level पे जाते हैं ना, तो ये stage पे आते हैं कि समझ में आता है कि कुछ नहीं है, मतलब nothingness से आया है, zero से चीजें आई है और zero में ही जाने वाली है। लेकिन जब हम infant soul से लेके ट्रांजिडेंटल सोल तक 6 लेवल की सोल पे है, तो कुछ ना कुछ तो आप करेंगे कि नहीं, खाओगे पियोगे बातें करोगे, अलग अलग रिलीजन में बर्थ लोगे, मेल में फीमेल में ट्रांसजेंडर में, कहीं ना कहीं कुछ तो आओगे कि नहीं, उसका एक्सपीरियंस लोगे कि नहीं, फिर वापस वो शून्य में चले जाओगे जहां से पूरा यूनिवर्स आया है, राइट। द एवरी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और ट्रूथ इज डिफरेंट। एक बच्चे के लिए सच्चाई अलग है, आपके लिए अलग है, हमारे बुजुर्ग के लिए सच्चाई अलग है, दैट इज रिलेटिव ट्रूथ। What is ultimate truth? ये सर अभी बता रहे। मैं अभी ये जितनी बातें कर रहा था ये relative truth की बात कर रहा था, ultimate truth की मैं बात अभी कर ही नहीं रहा हूँ, because वो तो मैं सिर्फ residential retreat में करता हूँ, जहाँ पे बहुत high level के spiritual लोग होते हैं, वहाँ पे मैं वो ultimate truth की बात करता हूँ। Is it right? लेकिन ये seminar है, यहाँ पे मुझे relative truth की बात करनी पड़ती, क्यों? क्योंकि आप infant soul से अभी transcendental soul level के यहाँ, तो आप correlate कर सकते हो, हाँ मेरे life में भी ऐसा चल रहा है, हाँ मेरे life में भी वैसा चल रहा है। आप डिफरेंस समझ में आ रहे हैं, राइट। आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या प्रोफेसर हो, आपको मैं अगर केजी की क्लास में बिठा दूं, क्या आप वो बातें करोगे जो आप नॉर्मल अपनी क्लास में करते हो? करोगे? बताओ मुझे, कोई इक्वेशन के बारे में, कोई केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कोई फॉर्मूला, कुछ भी बात नहीं करोगे आप, उनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी सिखाओगे? इज इट राइट? तो अगर आपको सही में इंटरेस्ट है, मेरे कुछ यूट्यूब से जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बहुत सारी है, जो बहुत हायर लेवल पे हैं, उनको प्लीज आप स्टडी कीजिए, तो आपको सही में बहुत मजा आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास अल्टीमेट है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ भी सीखने के लिए, समझने के लिए, और 1200 लोग हैं मेरे साथ जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, मैं तो उनके बिहाफ पे यहाँ पे खड़ा हूँ, राइट। कल आप लोग भी मुझे हेल्प करेंगे तो लेट अस अंडरस्टैंड द लाइफ मोर बेटर वे, है ना। कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी होती है, बिकॉज अगर आप एक टेररिस्ट की नजर से देखोगे या एक आर्मी मैन के नजर से देखोगे तो कॉन्ट्रडिक्टरी होगी, लेकिन दोनों अपनी बिलीफ पे अड़े रहेंगे, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, दैट इज रिलेटिव ट्रूथ, दैट्स नॉट एन अल्टीमेट ट्रूथ। इज इट राइट? यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। नहीं, बहुत अच्छा है, देखो हर इंसान की वजह से हमें ये डिस्कशन हो रहा है, हर इंसान की वजह से कितना एक्सप्लोरेशन हमारा हो रहा है। यस सर। सर, व्हाट आवर वी अंडरस्टूड राइट नाउ दैट वन शुड स्टे ऑन देयर डेल्टा फ्रीक्वेंसी, बट व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द लेफ्ट स्टूडेंट्स देन दे आर फीलिंग डबल डिस्पोजिटी और मोर देन इट,
then how can they stay on the delta frequency? हाँ ये बहुत मुश्किल है, डेल्टा फ्रीक्वेंसी में आप ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वो फिर ट्रांस है, समझ में है कि नहीं, आपको बहुत जल्दी ग्राउंडिंग होना पड़ेगा, वापस आपको अल्फा लेवल पे आना पड़ेगा, बिकॉज आपको वापस खाना पीना है, दुनियादारी करनी है, ड्राइविंग करनी है, मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, आप नहीं रह सकते हो। जो संत साधु जो जंगलों में चले जाते हिमालय पे, वो लोग डेल्टा वाले, वो लोग आम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, फैमिली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धा का भी जब बर्थ हुआ था, जब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट रीड किया था, तो उन्होंने ये कहा था भाई इनको है ना लोगों से दूर रखना करके, लोगों के सामने लेके आओगे तो ये शायद भाग जाएंगे यहाँ से, समझ में कि नहीं। तो इसलिए उनको सफरिंग नहीं बताई गई, उनको डेथ नहीं बताया गया, लेकिन जब उन्होंने देख लिया तो वो ट्रिगर हो गया और एन ही रैन अवे फ्रॉम दिस, राइट। सो इसलिए डेल्टा में ज्यादा समय नहीं रह सकते। घटता नहीं है, उसके वजह से ना वो डिप्रेशन में ज्यादा खाना खाते हैं, हॉकिंग करते खाते ही रहते, समझ भी नहीं आता कितना खा रहे, ऐसा है करके। हमारे जो अभी तक एक साइंस समझाना, हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना वो चक्रस के ऑसिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो जब हम नेगेटिव सोचते तो हमारे जो चक्रस है यहाँ पे एनर्जी सेंटर्स है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं हम ज़्यादा खाने की सोचते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, समझ में है कि नहीं। तो ऐसे टाइम पे लोग खाते ज़्यादा हैं और उनको समझ शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं रहती है, राइट। तो ये एक अलग साइंस है जिसने, अच्छा वो आपने बात किया तो ये समझ में आ गया कि नेगेटिव थॉट से चक्रस पे अफेक्ट होते हैं। चक्रस के आगे हार्मोन्स रहते हैं, ग्लैंड्स रहते हैं, थायराइड है, पिट्यूटरी है, थाइमस है, पेनक्रियाज है, एड्रेनलिन है, ये सारे ग्लैंड्स है जो हाइपो एक्शन में चले जाते हैं, और कोई भी हार्मोन्स अगर हाइपो एक्शन में जाते हैं तो उसका वेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। जैसे थायराइड हाइपो एक्शन में जाता है तो वेट बढ़ता है, थायराइड अगर हाइपर होता है तो वेट कम होता है, राइट। Okay. Yes, ma'am. Sir, sir, chakras तो योगास का टॉपिक है, खैर अलग मुद्दा है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना, इतिहास अपने आप को दोबारा दोहरा रहा है, और हम रिसर्च नहीं सर्च कर रहे हैं, right. तो सर आप इनडायरेक्टली बात वेदास की कर रहे हो क्या? हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने कहा पहले के जो भी कुरान थे, बाइबल थे या भगवत गीता थी, ये एक्चुअली उसमें सब कुछ है। मतलब महावीर ने कितने साल पहले बोला कि सूर्यास्त के बाद मत खाओ, हमने सोचा क्या पागल पर ने क्यों नहीं खाए। अब ये साइंस कह रहा है कि उसके बाद बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, बिकॉज सन नहीं होता है तो उनके मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा होते हैं, ग्रेविटेशनली वो नीचे गिरते और आपके फूड में आ जाएगा, और आप वो इंसेक्ट वाले फूड खाओगे तो आप बीमार ज़्यादा पड़ोगे, है ना। उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं था, इंट्यूशन था, साइकिक पावर था, तो इसलिए उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं। आज हम साइंस के थ्रू उसी को वेरीफाई कर रहे हैं, ऐसा है। यस सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जिस तरह भगवत गीता वगैरह है सब समरी है वेदास की, exactly. और जो भी मंत्र है उनका, उनके पीछे साइंटिफिक नॉलेज है जो आज हम सर्च कर रहे हैं उसके अंदर। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। ओके, यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वी हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी इन वर्ल्ड और इन इंडिया, जैसे कि सर सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन एंड ऑल ग्रेट पर्सन, राइट राइट। तो सर व्हाट वी कैन कंक्लूड कि वो अपने हार्ड वर्क और कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आगे हैं, या दोनों है? देखो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क तो आपको वापस मेंटेन करेगा। आप पहले सक्सेसफुल हुए कि पिछले लाइफ में कुछ अच्छी आपने पहली साधना की थी या ये सब्जेक्ट के ऊपर बहुत काम किया था, लेकिन हार्ड वर्क नहीं करोगे तो ज्यादा टाइम टिकोगे भी नहीं। सर वन मोर क्वेश्चन है। सर आई रेड अबाउट एक साइंटिस्ट थे सर, मैथमेटिशियन रामानुजन। सर मैं उनके बारे में अगर मैंने पढ़ा तो ये पढ़ा कि उन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, कोई कुछ नहीं, ज्यादा इंटरेस्ट, फिर भी सर वो इतने बड़े थे। शकुंतला देवी को भी देखो सर, वो इतने मतलब कैसे बन गए सर? मैं यही तो कह रहा हूँ, सुपर चीज एक्टिवेशन, वही तो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। जिनकी सुपर चीज एक्टिवेशन होती है, किसी के समय के अनुसार हो जाती है, किसी को कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है उसको एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन होती तो सबकी है कभी ना कभी। तो सर
तो सर पास्ट एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। हाँ वो तो रखता है 100% मतलब पास्ट लाइफ। या आज मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे वो 70-80% तो मैंने पास्ट लाइफ में ही ये सब नॉलेज इकट्ठा की थी, सिर्फ इसको मैंने रीएक्टिवेट की इस लाइफ में। अदरवाइज मेरे तो मेडिकल सिलेबस में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, एफएमटी, पीएसएम, ये फॉरेंसिक मेडिसिन, ये सारे सब्जेक्ट्स थे। ये कर्मा के और ये सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस थोड़ी हमारे साइंस में आता है ना। और ना तो मैं ऐसे कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ या कोई बड़े संत साधुओं से जुड़ा हूँ कि जिनकी फिलोसॉफी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। राइट, थैंक यू। ओके आप जिस तरह से बोल रहे थे कि आपने पास्ट स्टडीज करके पता किया है कि पास्ट में मतलब क्या क्या हो रखा है, तो वो किस बेसिस पे किया है सर आपने? वो देखो इसके दो टेक्निक है, एक हिप्नोथेरेपी है और एक मेडिटेटिव थेरेपी है। मैंने दोनों थेरेपीज को अपनाया और मैंने उसको किया है। मेडिटेटिव को मैं ज्यादा एम्फोसाइज करता हूँ बिकॉज उसमें प्योर होती है। हिप्नोथेरेपी क्या है, एक क्या कहते हैं, एक फोर्सफुल अटेम्प्ट है कि आप जबरदस्ती किसके सबकॉन्शियस में जा रहे हैं। और मेडिटेटिव वे में क्या है, आप अवेयर भी हो, कॉन्शियस भी हो, आपको पता है, आप देख रहे हो, आपको सामने वाले को बताना है नहीं बताना, इट्स योर चॉइस। हिप्नोथेरेपी में आपके पास चॉइस नहीं, आप गए तो आपको बोलना ही होगा, है ना। जो हम जो एमडी साइकेट्रिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, वो लोग हिप्नोथेरेपी करते हैं डी एडिक्शन के लिए, राइट, क्योंकि उन्हें पता है ना तो ये छोड़ने नहीं वाला सिगरेट दारू, इसलिए जबरदस्ती उसके सबकॉन्शियस में घुस के उसको रीप्रोग्रामिंग करते हैं। बट उससे किस तरीके से उसकी पास्ट लाइफ पता चल जाती है? नहीं वो ऐसा देखो एक सिंपल है, आप सब जब स्कूल में गए थे और आपका जब ओपन डे हुआ होगा आपके पेरेंट्स को बुलाया था कि नहीं, या आज अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों के लिए टीचर बुलाती है कि नहीं? और जब आप उसके पास के देखते हो कि भाई इसने मैथ्स में गलती की, साइंस में की, हिस्ट्री में की, और फिर उस गलती को सुधारते हो तो नेक्स्ट एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हो। एम आई राइट और नॉट? ये छोटे छोटे अटेम्प्ट हम भी रिव्यू करते हैं कि नहीं अपना? आज हम जो रेटिंग देते हैं किसी को भी 3 रेटिंग 4 रेटिंग या कंप्लेन करते हैं, सजेशंस देते हैं, तो वो भी तो पास्ट के ही है ना, उसके आधार पे कुछ लोग आगे प्रोग्रेस करते हैं। ये तो अभी की लाइफ का होगा ना सर? कोई भी लाइफ का सीम, माइंड के पास अनलिमिटेड डेटाबेस है, उसको ये समझ में नहीं आता ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी है, आपके पेरेंट्स की है या पास्ट लाइफ की, इसको कोई पता नहीं है। आज मेरे मोबाइल में 4,500 कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने 12 बार मोबाइल चेंज किया है, तो कौन से टाइम से ये कॉन्टैक्ट मैंने सेव किया मुझे क्या पता। सर आप सुपर जीन्स की एक्टिवेशन की बात कर रहे थे, उसकी कुछ ऐसी टेक्निक जिनसे एक्टिवेट कर सकते हैं? उसके डेल्टा म्यूजिक्स भी हैं, आप देख सकते हो नेट पे, डेल्टा म्यूजिक में भी कर सकते हो, कुछ सिंबल्स भी आते हैं, ज्योमेट्रिकल साइंस भी होते हैं जो मैं यूज करता हूँ, लेकिन वो हम अभी बता नहीं सकते बिकॉज वो बहुत बड़ा साइंस है करके। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। यस मैम लास्ट क्वेश्चन विल टेक, हम लोगों का ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहते हैं। यस सर, यू टॉक्ड अबाउट द डेल्टा फ्रीक्वेंसी एंड यू टोल्ड दैट वी कैन नॉट लिव इन अ डेल्टा फ्रीक्वेंसी फॉर मोर देन लॉन्गर टाइम। यस 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 राइट। सो देयर वाज अ रिसर्च इन टेक्सास यूनिवर्सिटी हु प्रूव्ड दैट अ लेडी कॉल्ड दादी जानकी हु वाज डूइंग हर एवरी एक्टिविटी इन द डेल्टा फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली। सो हाउ यू कैन डिनाई दैट? नहीं, कुछ लोग होते हैं सुपर जीन, मतलब मैंने कहा ना जो ट्रांसेंडेंटल सोल होते हैं वो लोग रह सकते हैं, आप और हम तो अभी भी यंग सोल या मैच्योर सोल लेवल पे, हम उतनी फ्रीक्वेंसी में अभी नहीं रह सकते। राइट, आपने किसी महाराज का सुना होगा, गगनगिरी महाराज हमारे महाराष्ट्र में अवेलेबल थे, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, 20 घंटा पानी के अंदर ही रहते थे, सिर्फ 4 घंटा पानी के बाहर आते थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उनको ऐसे, और उनके दोनों पैर मछली ने खा लिए थे ऐसा है करके, तो मैं उनको 11-12 साल पहले मिलने गया था, एक बार किसी ने मुझे लेके गए उनको मिलाने, तो जैसे मैं उन्हें मिला उनको पानी से ऐसे बाहर निकाला और उनको झूले पे रखा, क्योंकि पैर तो थे नहीं तो झूले पे रखा, तो उन्होंने सीधा मेरा नाम लिया, हेलो डॉक्टर उदेशा, मराठी में बोला, कसा है, मतलब ही स्पोक इन मराठी। मैंने बोला महाराज अच्छा हो, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? सब जानता हूँ, तू डॉक्टर है ना, तू अभी रिसर्च कर रहा है, मतलब एवरीथिंग ही स्पोक वेरी क्लियरली, तू अमेरिका ना जाती तक रिसर्च हो, तो उन्होंने सीधा मुझे बोला तू जो कर रहे हैं ना अमेरिका में वहाँ तुझे ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। और 3 महीने बाद रियली मैं फर्स्ट टाइम यूएस गया। तो ये सारे लोग डेल्टा वाले, इनको दुनिया का सब कुछ पता है, लेकिन ये लोग फिर ज़्यादा टाइम ना आप लोगों के बीच में रह सकते हैं, हमारे बीच में रह सकते हैं ना, वो बाहर उनको या तो पानी में रहना पड़ता है या तो पर्वत पे रहना पड़ता है, हिमालय पे रहे या तो गुफा के अंदर बैठे रहते ये लोग। सॉरी सर आई वांट टू इंटरप्ट यू,
अगर जो पर्सन डेल्टा स्टेज में उसको पहले से पता है फ्यूचर का, तो इतनी सारी चीजें हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड में, वो पहले रोक सकता नहीं बता देते। कुछ नहीं, काफी बार माँ बाप को भी पता होता है मेरा बच्चा गलत जा रहा है, लेकिन क्या करेगा। द्रौपदी का वस्त्रहरण होने वाला है, महाभारत होने वाली है, उन्होंने खुद बोला भाई कर्म करो, हम आप कोई रोक नहीं सकते, ये यूनिवर्स का एक सोल प्लान है, वो सोल प्लान को होना ही पड़ता है, बिकॉज सब लोग एक्सपीरियंस करने के लिए आए, रोकने टोकने के लिए थोड़ी कोई आया यहाँ पे, है ना। अटेम्प्ट तो करते हैं, अभी भी लोग बोल रहे हैं कि भाई कोरोना कम हो गया चलो अभी ऑफलाइन शुरू करें, अटेम्प्ट तो कर रहे हैं कि नहीं लोग, तो अच्छी बात है, अटेम्प्ट करो, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लो उस चीज का, लेकिन प्रिकॉशन भी लेना है ना। यस हेलो सर, हाँ हाँ बीमार है, हाँ हाँ नहीं 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 हम तो रिसर्च कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों अवॉइड करें। मैं यही तो कहता हूं कि हर चीज का पता लगाओ, या तो अपने अंदर जाओ, ये सारे बाहर की रिसर्च की जरूरत नहीं है, सारा गूगल अंदर ही आपका, और अपना सोल रिसर्च करो ना भाई, आप क्यों आए हो, आपका पर्पस क्या है, कहाँ आपकी गलतियां है, क्या कमियां खामियां आपके अंदर है, उसका रिसर्च करो, दुनिया का रिसर्च करके आप क्या करो। तो मैं यही तो कहा ना भाई, फिजिकल एक्टिविटीज तो मतलब शरीर मन का गुलाम है, माइंड जैसा सोचेगा बॉडी तो वैसे ही करने वाला है, तो ये पता लगाने की कोशिश करो कि अगर फिजिकल एक्टिविटी गलत है तो इसके पीछे माइंड क्या है, माइंड की सोच क्या है, माइंड की फिलॉसफी क्या है, माइंड की बिलीफ सिस्टम क्या है। जैसे कोई कहता है मैं जब तक चाय नहीं पीऊंगा मेरा पेट साफ नहीं होता, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा पेट साफ नहीं होता, इसका मतलब पूरी दुनिया में कॉन्स्टिपेशन है क्या, मतलब हम नहीं पी रहे तो हमारा पेट साफ नहीं होगा, ये उनकी बिलीफ सिस्टम है, तो ही हैज टू ट्रैक दैट थिंग, है ना। आई थिंक वी विल स्टॉप द क्वेश्चन, या लास्ट क्वेश्चन आई, ओके सर, एट द बिगनिंग ऑफ सेशन यू सेड दैट यू डोंट बिलीव इन कर्म, हां राइट, बट ड्यूरिंग द सेशन वी टॉक्ड वेरी मच अबाउट कर्म, सो व्हाट डू यू बिलीव इन कर्म और नॉट। मैंने कहा ना, मैंने फर्स्ट ईयर मेडिकल में मैं 1990 में था, और तब से देखे मैं कुछ 15 साल तक मैं नहीं मानता था कर्मा जैसी कोई भी चीज को, लेकिन जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तब से फिर मुझे मानना पड़ा कि रियली ऐसा कुछ होता है करके, अदरवाइज तो मुझे लगता है बकवास, बिकॉज 2008 में भी जब मैं US गया था और मैंने जब NLP सीखी, माइंड पावर सीखा, मुझे लगा हाँ ये लोग तो कर्मा को मानते ही नहीं है, तो फिर कर्मा होता ही कहाँ है, सब बकवास की बात है। लेकिन उसके 2 साल बाद जब मैंने सारी टेक्निक्स अप्लाई की, उसके बाद भी कुछ जगह पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, फिर मुझे पास्ट लाइफ के ऊपर रिसर्च शुरू करना पड़ा, और फिर मुझे कर्मा की फिलॉसफी को मानना पड़ा करके कि कुछ तो है करके, और कर्मा को भी मैं कर्स नहीं मानता हूँ, कोई ऐसा बुरी चीज नहीं है, कर्मा का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट लेसन, और उसको कम्प्लीट करो, ऐसा नहीं कि ये पापी है, ये मतलब सीन वाला है इंसान, ऐसा कुछ कर्मा नहीं होता है, ये तो डराने के लिए बोलना पड़ता है, अदरवाइज तो देखा जाएगा तो कुछ इनकम्प्लीट रखा है, उसको कंप्लीट करो। कर्मा इज आइदर यू हैड नॉट टेकन द एक्शन और यू हैड नॉट टेकन द प्रॉपर एक्शन, 2 चीजें हैं, अगर आप उसको करेक्ट कर लेते हो तो यू आर क्लियर, है ना। ओके थैंक यू, यस मैम, थैंक यू सो मच सर, आई थिंक वाओ, वी हैव टू गिव टू योर एनर्जी, and I hope our applause also resonates our energy, so a huge round of applause for you. I think you got up and how you told and the way, I think it has resonated with all of us, it's amazing. And some key points, I think we will always remember that how stress and fear sometimes distract us, and the power of reflection. They say that once in a while you should sit and have an expert chat with yourself. So that's amazing, and your talk did open up something which was very, very interesting, sir, possibilities, and changing the focus from not only discussing problems, which we usually do, but taking it forward to a solution-focused discussion, which I think the world looks now into. So thank you so much, sir. In order to officially end this session, I would like to request and invite HOD Yoga, Dr. Sanjeev Patra, for giving the vote of thanks. Sir, please.
सकते हैं।